Good afternoon, everyone. Could you please confirm my voice is loud and clear? Okay, thank you so much for your confirmation. So, hope you all are doing good and enjoying your weekend. न अंडरस्टैंड बट डोंट वरी मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा उसके बाद में आप ही का वीकेंड है पूरा इवनिंग आपकी है और कल का पूरा दिन आपका है ओके लेट मी से प्रदीप क्या पूछ रहे हैं सर आज और कल हॉलीडे है तो क्या आप प्लीज़ बता सकते हैं चार्ट ट्रेडिंग कैसे करना है डिमांड सप्लाई मार्किंग होने के बाद एंड लाइव मार्केट में चार्ट पर प्रैक्टिस कैसे करनी है प्लीज़ सर टू डे हॉलीडे तो बता दीजिए प्रदीप वही तो चीज़ देवन से डिस्कस कर रहे हैं करंट मार्केट प्राइस के ऊपर में एक होरिजोनटल लाइन ड्रॉ करें और नियरेस्ट रेस्ट डिमांड एंड सप्लाई मार्क करें चार्ट ट्रेडिंग ही तो डे वन से पढ़ रहे हैं हम डिमांड और सप्लाई मार्क करें ये देखें कि लोकेशन मिल रहा है तो लोकेशन के बाद में ट्रेंड चेक करें और एग्जीक्यूशन देखें मतलब स्टेप है ही ये इसके अलावा कोई डायरेक्टली स्टेप है ही नहीं ऐसा कि जैसे अभी चार्ट ओपन अशोक लीलैंड का है तो अपन ऐसा कहें कि ऐसी कैंडल बन रही है ये कैंडल बन रही है कंसोलिडेशन हो रहा है ई के ऊपर में है ब्रेकआउट आएगा ये चार्ट रीडिंग नहीं है ये तो सिक्स सेंस है सिर्फ ये सिक्स सेंस है चार्ट रेडिंग क्या है कि आप गए इसके अंदर में किसी मंथली टाइम फ्रेम पे या फिर आप गए किसी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे जो भी ट्रेड आपको ढूंढनी है मैं तो ये कह रहा हूँ कि चाहे डब्ल्यू हो डी हो कोई भी हो एक बार सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर तो पता हो कि लाइक ये कौन से टाइम फ्रेम से प्राइस आ रही है जैसे कि हम कह सकते हैं हाफ ईयरली के डिमांड जोन से आ रही है और अभी इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को तोड़ने की कोशिश कर रही है कर नहीं पा रही है मतलब इस चीज को देखिए समझने की कोशिश कीजिए फिर हम क्योंकि रिवीजन पे आते हैं स्टॉप तो राइटिंग एवरीवन सब लोग लिखना बंद कर दीजिए जो चीज बता रहा हूँ उसके ऊपर मैं बस फोकस करें एक बार आप कोई भी टाइप की ट्रेड ढूंढे कोई भी टाइप की मतलब अगर आपके माइंड में ये आ रहा है कि मैं सिस्टम को ओपन करके बैठ रहा हूं तो मैं क्या करूं सबसे पहले तो मैंने आपको क्या किया क्या बताया कि चाहे डब्ल्यू आई कुछ भी हो स्टार्ट विथ एम मंथली टाइम फ्रेम या फिर क्वार्टरली टाइम फ्रेम मिनिमम और अगर आप ईयरली और हाफ ईयरली की पिक्चर भी कंसिडर कर ले कर रहे हैं तो और भी अच्छा है जैसे कि एक बार यहाँ पे एक चीज तो समझ में आ रही है ना कि इसका टॉप बॉटम देखिए कहां से आ रहा है अगर हम ये कहें कि बॉटम ने किसी डिमांड जोन को हिट किया है तो यस हाफ ईयरली के डिमांड जोन को हिट किया फिर उसके बाद में क्या हुआ यह रैली कहां पे जा रही है अभी हम ये कह सकते हैं कि हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन से प्राइस डाउन भी आई है ऐसी बात नहीं है बट ये उसके अंदर में डीप जाते जा रही है इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन के अंदर में प्राइस देखिए डीप जाते हुए जा रही है पहले यहां तक गई थोड़ी डाउन आके यहां तक गई फिर और ज्यादा डाउन आई और यहां से यहाँ क्लोज हुई है और इस वाली कैंडल में देखेंगे आप ऑलमोस्ट इसको खत्म ही कर दिया बट क्लोजिंग नहीं हो पाई है और अभी ये वाली जो कैंडल बन रही है वो क्लोज होने की कोशिश कर रही है तो एक व्यू ये तो बन रहा है कि एक हाफ ईयरली सप्लाई जोन के अंदर में एक अग्रेसिव बाइंग है मतलब बाइंग स्ट्रॉंग है टूटा नहीं है तो सिक्स सेंस ऐसा नहीं लगाएंगे कि ये टूट जाएगा ये डेफिनेटली इसके ऊपर जाएगी ये सिक्स सेंस आने में जैसे मैंने कल टाटा मोटर में बताया था आपको उसमें टाइम लगेगा तो ये वाली एजम्पन ये वाली कैलकुलेशन स्टार्टिंग में किसी को लगानी ही नहीं है किसी को भी नहीं लगानी अब उसके बाद में देखें कि और क्या क्या हुआ जैसे कि ये हाफ ईयरली का डिमांड जोन है इसको मैं मार्क करके दिखा देता हूं आपको मैं सब चीजें एक बार के लिए डिलीट कर रहा हूं यहाँ पे देखिए अभी मैंने ये डिसाइड भी नहीं किया कि मुझे ट्रेड कौन सी ढूंढनी मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया इसके अंदर में मैं तो ये मान के चल रहा हूं कि ये है हाफ ईयरली का डिमांड जोन इसके अंदर में जहां से प्राइस अप गई है अभी टेस्टेड है आई नो और ये है वाले सप्लाई जोन प्रोक्सिमल और ये रही इसकी डिजिटल लाइन और इस मोलर टाइम फ्रेम पे आते हैं क्वार्टरली के ऊपर में हाफ ईयरली के बाद में quarterly आता हमारे पास में क्वार्टरली पे हमने देखा उसी हाफ ईयरली के अंदर में कितना अच्छा ओरिजन था एक प्राइस का मतलब ओरिजन का इन सेंस की एक बहुत अच्छा एरिया है डिमांड जोन का और उसी हाफ ईयरली के बॉटम पर डिमांड जोन जिसमें टू एक्साइटिंग कैंडल है और प्राइस को ऑल टाइम हाई पे भी यही लेके गया है यही वाला एरिया आप देखिए यहाँ पे ये यह रैली बेस रैली वाला डिमांड जोन है यही प्राइस को ऑल टाइम हाई पे लेके गया तो और इसी में कभी फ्यूचर में प्राइस आई है और कहा से आई है इस वाले से. इस वाले वाले टॉप टॉप से 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 167 से प्राइस डाउन डाउन आ गई है ऑलमोस्ट 40 से भी डाउन। लेकिन उस डिमांड जोन में आई है जो उस पूरी ऑल टाइम हाई की रैली के लिए रिस्पॉन्सिबल था उससे पहले के जो डिमांड जोन है उन सब में प्राइस आई और रिएक्ट किए हैं जैसे ये वाला भी चला है ये वाला भी चला है उसके बाद में जो फ्रेश था वो यही था तो लॉजिकली ये चलना चाहिए बट हम ऐसा नहीं है ना कि ये डेफिनेटली चलना ही चलना चाहिए इसका सोल्यूशन मैंने आपको कल क्या दिया कि जब इतनी ऊपर से प्राइस आ रही है तो या तो वहां पे आप वेट कर लें कि कन्फर्मेशन ट्रेड मिले आपको अगर डर लग रहा है कि ये रेंज पहली बात तो ये देखेंगे कि नेरो है या नहीं तो इस हाफ ईयरली वाली तो बहुत वाइड थी लेकिन ये वाली क्वार्टरली वाली थोड़ी नेरो लग रही है बट स्टिल हमें क्या चाहिए हमें या तो एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप चाहिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस थोरी के अकॉर्डिंगली या फिर अगर हमें डाउट है किसी हाफ ईयरली क्वार्टरली मंथली के डिमांड जोन पे कि प्राइस इतनी ऊपर से आ रही है और वो चलेगा या नहीं चलेगा तो उसके अंदर में हम क्या करते हैं कन्फर्मेशन करते हैं जैसे हमने कली किया आज मैं आपको ये कर रहा हूँ किसी भी स्टॉक में अगर ट्वेंटी थर्टी का करेक्शन होना है थर्टी परसेंट का करेक्शन हो किसी स्टॉक में अभी रिसेंटली तो उसके अंदर में गो विद द कन्फर्मेशन कन्फर्मेशन आप उसमें जरूर देख लें एक बार मतलब ये एक अच्छी प्रैक्टिस है तो उससे क्या है कि आपने एक बार प्राइस को सस्टेन होने दिया और अपने फेवर में एक चीज ली कि बायर यहाँ पे अपने आपको प्रूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे तो फिर उसके बाद में उसके अंदर में जाए उससे पहले उसमें सोचे ही ना किसी भी स्टॉक के अंदर में करेक्शन है तो ओके अब इसमें एक दूसरे तरीके से मैं ये देखू ना कि ये है क्वार्टरली का एग्जीक्यूशन जो कि हाफ ईयरली से भी कौन कर रहा है

वो टारगेट ईयरली इनकम ट्रेड का कहा तक होना चाहिए इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम का सप्लाई जोन क्वार्टरली पे तो है तो क्वार्टरली का सप्लाई जोन तो छोड़िए हाफ ईयरली का सप्लाई सप्लाई जोन जोन देखिए तो तो एटलीस्ट हाफ ईयरली का ये वाला सप्लाई जोन है यहां तक तो टारगेट मिलना मिलना ही चाहिए ना एटी वन रुपीज का कि उस क्वार्टरली के यहां बॉटम पे देखिए ये था वो बॉटम अगर वहां से अगर कोई ट्रेड एग्जीक्यूट होती तो यहां तक का तो टारगेट मिलना चाहिए ये एक रूल बेस्ड ट्रेड हुई जिसमें हमने बस एक ये सिक्स सेंस नहीं लगाया कि प्राइस वहां पे एक लेकिन का था तो फिर वहां पे हम कहीं ना कहीं मल्टीपल को कंसिडर नहीं कर रहे हैं मल्टीपल टाइम एनालिसिस थ्योरी के अकॉर्डिंगली भी ट्रेड ढूंढी इसके अंदर में और देखिए जो कल मैं आपको लॉजिक बता रहा था कि अगर एक ग्रीन कैंडल कुछ इस टाइप से है सेकेंड ग्रीन कैंडल यहां ओपन होके एक बार के लिए डाउन गई है और फिर अप गई है तो इसका मतलब इस एरिया के अंदर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ ना इस एरिया के अंदर में डेफिनेटली कुछ ना कुछ होगा ही होगा फिर से बता रहा हूं कि अगर एक ईयरली सॉरी एक कैंडल जो है लेट मी डिलीट दिस यहां पे जाके क्लोज हुई

अब यहाँ पे प्राइस हिट हो के आपको लग रहा होगा देखिए इसको भी प्राइस ने तोड़ दिया और प्राइस तो सीधा ईयरली के सप्लाई जोन में जाके रुकी है सॉरी हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में मैं इस हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को एक बार के लिए ऐसे मार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को एक बड़ी पिक्चर दिख सके ये रहा हाफ ईयरली का सप्लाई जोन इस हाफ ईयरली के डिमांड जोन को भी मैं मार्क कर देता हूँ ये रहा हाफ ईयरली का डिमांड जोन को मैं डिलीट कर देता हूं। इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूं क्योंकि लाइनों की जरूरत नहीं है जब हमने बॉक्स मार्क कर दिए तो तो लॉजिकली हाफीअर्ली का डिमांड सप्लाई जहां से हमने पूरी प्राइस सेक्शन को स्टार्ट किया था वहीं पे आ गए हम वापस से अब ये रहा क्वार्टरली का एग्जीक्यूशन जो इसी हाफ ईयरली के डिमांड जोन के बॉटम पे है और इस स्ट्रेट को हम ले सकते हैं कहां तक के टारगेट के लिए इस हाफ ईयरली वाले सप्लाई जोन तक के टारगेट के लिए और आपको ऐसा लग रहा होगा प्राइस देखिए स्ट्रेट एक यहाँ पे सीधा डायरेक्टली डाउन आई और एक अप चली गई ऐसा नहीं है ये हम बड़े टाइम फ्रेम की पिक्चर देख रहे हैं ऐसा कभी भी नहीं होता कि बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में डाउन आए एक स्ट्रेट लाइन में अप चले जाए इसको जैसे जैसे स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आप आएंगे ना वैसे वैसे ये चीजें चेंज होती जाएंगी देखिए हाफ ईयरली से मैं अगर क्वार्टरली पे आ रहा हूं ना तो थोड़े से और करेक्शन आपको दिखेंगे

यहाँ पे दो मंथली की कैंडल बनी है ई एम का भी सपोर्ट मिला वो सब चीजें अलग है तो लॉजिकली एक मंथली का डिमांड जोन बन गया और अब हम ये जरूर कह सकते हैं उस उस मंथली के के डिमांड जोन जोन ने हाफ ईयरली सप्लाई जोन को खत्म कर दिया और प्राइस हिट हुई है? प्राइस हिट हिट हुई हुई है है इस वाले सप्लाई के अंदर में प्राइस हिट हुई है इस ऊपर वाले हाफ ईयरली के सप्लाई जोन के अंदर में और आप यहां पे देखेंगे इंटरेस्टिंग क्या हुआ कि जो प्राइस यहाँ से लेके यहां तक जा रही थी ना इस एरिया तक ये ग्रीन कैंडल यहाँ थी बट हा ईयरली के सप्लाई जोन को हिट करते ये ग्रीन कैंडल ऑलमोस्ट एक 50 परसेंट की बॉडी में कन्वर्ट हो गई मतलब हम कह सकते हैं 50 परसेंट की बॉडी है अगर ये यहीं से डाउन आती है ना तो हम इसको शायद कंसिडर ही नहीं करते हाँ अब ये बात जरूर है कि इसके बाद वाली कैंडल भी अग्रेसिवली बाइंग आई और वो इसके अंदर में जाके क्लोज हुई है अब हम जरूर कह सकते हैं कि ये वाला एरिया थोड़ा हमारा पावरफुल हो गया कि ये वाला एरिया हमारा पावरफुल हो गया अगर प्राइस इसी कैंडल से डाउन आ जाती मतलब सेकंड कैंडल ग्रीन ना बन के रेड बनती ना तो यहाँ पे हम ट्रेड लेने की शायद सोचते भी नहीं क्योंकि हमें डर होता कि हाफ ईयरली का सप्लाई जोन शायद इसको तोड़ देगा फिर शायद हो सकता है हम इसको कंसिडर करते या फिर यहाँ पे भी हम कंफर्मेशन देखते एनी आप देखेंगे इस पूरी रैली के अंदर में तब से लेके यहाँ पे काफी दिन तक जो मैंने अभी बताया आपको हाफ ईयरली के सप्लाई जोन के अंदर में प्राइस पियर्स करने की कोशिश कर रही है एक बार के लिए एक अच्छा खासा डाउनफॉल आया अब ये डाउनफॉल कहां से आया मैं बताऊं आपको इसी हाफ ईयरली के अंदर में एक और है ये वाला मंथली के ऊपर में क्योंकि उस हाफ ईयरली के अंदर में भी ऐसा होता है ना जैसे हमने देखा हाफ ईयरली के अंदर में एक मंथली का डिमांड जोन था सॉरी क्वार्टरली का डिमांड जोन तो सिमिलरली वहां पे भी तो एक ओरिजन मिल सकता है ना सेलिंग का ये रहा सेलिंग का ओरिजन और यहां से दोबारा से एक सेलिंग प्रेशर आया कि पहले वाले में तो प्राइस देखिए डीप जाने की कोशिश कर रही है बट जो सेलिंग का ओरिजिन था ना पेंडिंग ऑर्डर का बंस था उसको ट्रिगर किया और ट्रिगर करते ही डाउन आई और डाउन आके सीधा किसको हिट करी है हमारे इस एरिया को प्राइस ने हिट किया इस वाले एरिया को और इस वाले एरिया से प्राइस जो है वापस से रिकवर हो गई और अभी आप देखेंगे प्राइस कहां ट्रेड कर रही है इसको देखिए ऑलमोस्ट प्राइस ने ब्रीज कर दिया बट क्लोजिंग अभी भी नहीं हुई है आप यहाँ पे देखेंगे क्लोजिंग नहीं है और आज प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही तो भले ही आपका सिक्स सेंस ये कहे कि हम पूरी टॉप डाउन अप्रोच कर रहे हैं प्राइस जो डाउन आई हाफ ईयरली क्वार्टरली के डिमांड जोन से हिट होने के बाद में कुछ एक हर्डल आए जैसे इस वाले एरिया ने रोकने की कोशिश की क्योंकि हमें पता हाफ ईयरली की प्रोक्सीमल लाइन ने कुछ टाइम के लिए रोका अगेन हाफ ईयरली के दूसरे वाले सप्लाई जोन की प्रोक्सीमल लाइन ने प्राइस को रोकने की कोशिश करी प्राइस धीरे 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 दोबारा से अपनी रैली को कंटिन्यू रखती है चाहे स्लो हो जाए

इसने प्राइस को रोका प्राइस को अप लेके गया है वो चीज अलग है कि ड्रॉप बेस रैली इसी में दोबारा से एंट्री मिली और ये अब सबके सब चलते जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं इनके अंदर में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जब सारे डिमांड जोन चलने लग जाते हैं ना सब डिमांड जोन रेस्पेक्ट हो रहे होते हैं तो उसके अंदर में हमारे पास में एक फीलिंग आने लग जाती है कि बेसिकली यहाँ पे डिमांड जोन सारे रेस्पेक्ट हो रहे तो सप्लाई जोन के टूटने का टाइम आ गया जैसे कल किसी ने पूछा था सर फेडरल बैंक के अंदर में वो टेस्टेड सप्लाई जोन को हमने टारगेट क्यों नहीं लिया ऊपर वाले एरिया को क्यों लिया उसमें उस दिन मंथली पे हमने देखा सारे मंथली के डिमांड जोन रेस्ट्रक्ट हो रहे थे और अल्टीमेटली धीरे धीरे करके सारे सप्लाई जोन ब्रीच हो रहे थे तो उस टेस्टेड सप्लाई जो बार बार में टेस्टेड हो चुका है तो हमें वहां पे लग जाएगा कि प्राइस जो है हाँ ऊपर ही जाएगी ये सप्लाई जोन टूटेंगे जब सब चीजें फॉलो हो रही है तो यहाँ पे देखिए जब सब डिमांड जोन कंटिन्यूसली फॉलो हो रहे है, सप्लाई जोन प्राइस को रोकने का काम कर रहे हैं बट प्राइस धीरे धीरे आप जा रही है तो इस टाइप की जब बहुत सारी पिक्चर देख रहे होते हैं ना तो हमें एक अंदर से फीलिंग आने लगती है कि ये वाले सप्लाई जोन अब टूटने के चांसेस है बट आपको ऐसा मत सोचिए कि ये देखिए यहां से आ गया है, चलो ठीक है क्लोज नहीं हो पाई अब अल्टीमेटली दोबारा से प्राइस आप जा रही है तो इसको तोड़ देगी बिल्कुल तोड़ सकती है बट वो आपका टास्क ही नहीं है, ये ये लगाना अभी से आपको तो देखिए कोई रूल बेस्ड ट्रेड मिल गई तो ठीक है बट यहां तक कि एक बार पिक्चर अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये तो समझ में आया ना कि बायर डिमांड और सप्लाई ये कैसे काम कर रहे हैं कि प्राइस डिमांड में जाने के बाद में कैसे कैसे आप जा रही है प्राइस सप्लाई जोन कौन कौन से रोक पा रहे हैं तो इससे आपको ये चीजें भी समझ में आ जाती है कि ये देखिए ऐसा क्या हुआ कि यहां से ये कैंडल ऐसी बन गई बेस कैंडल में कन्वर्ट हो गई अब इसको अगर मैं आपको और स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाके दिखाऊं यहाँ पे ये देखिए डेली ये कितना प्यारा डिमांड जोन है ड्रॉप बेस रैली बिल्कुल एकदम से ऐसा लग रहा नीट एंड क्लीन बहुत ही प्यारा डिमांड जोन है और ये टूट गया प्राइस ने जस्ट इसको पियर्स कर दिया तो बस ये इसी वजह से टूट गया कि हाफ ईयरली का बिल्कुल ओरिजिन के सप्लाई जोन को प्राइस हिट हो रही है तो अगर ये बस बॉक्स मार्क कर रखा होता तो यहाँ पे गलती होती नहीं ना और अगर ये बस बॉक्स मार्क नहीं कर रखा होता और आज अशोक लीलैंड आपके पास में यहाँ पे है और आप सोचे कि चार्ट रीडिंग में स्टार्ट करता हूँ अशोक लीलैंड के अंदर में आप सोचेंगे कि प्राइस कंटिन्यूसली देखिए आप जा रही थी लेकिन सब गार्बेज बनाते हुए जा रही थी इनफैक्ट गार्बेज के जो छोटे मोटे डिमांड जोन है ना वो काम भी कर रहे हैं गार्बेज वाले जैसे ये देखिए कितना गार्बेज सा था

मैं कह रहा हूँ मिनिमम क्वार्टरली मंथली के तो ये डिमांड सप्लाई मार्क होने चाहिए चार्ट पे बॉक्स फिर आप चाहे होरिजोटल लाइन से खेलते रहे क्वार्टरली मंथली के तो डिमांड सप्लाई मार्क कर ले जो उस दिन मैंने आपको बताया था ताकि ये गलतियां ना हो अगर डायरेक्टली आप इसको देखेंगे ना कि ये रहा डेली का अच्छा एग्जीक्यूशन ट्रेंड स्ट्रॉगली या फिर डेली पे, पे वीकली पे भी होगा चलो यहाँ पे ट्रेड ले, ले लेते हैं इनफैक्ट इस डेली के एग्जीक्यूशन को देखते हुए आपका ऐसा मन करेगा या तो इसको एम में कन्वर्ट करने की सोचूं

एम आई टी ट्रेड होगी तो डेली के एग्जीक्यूशन को देखते हुए एम आई टी ट्रेड लेने की सोचें इन शॉर्ट आप कोई भी ट्रेड लेने की सोचें इसके एक्सल होने के पूरे पूरे चांसेज हैं क्योंकि प्राइस ने जस्ट अभी एक स्ट्रॉग हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को हिट किया क्वालिटी अभी हमने देखी थी हाफ ईयरली के ऊपर में उसकी अच्छी खासी है तो वहां से एक सेलिंग प्रेशर इसमें बनता ही बनता डेफिनेटली ये देखिए दोबारा से क्वालिटी देख लीजिए चाहे तो यहां से एक सेलिंग प्रेशर बनता ही बनता अभी इसको देख के ऐसे लग रहा हो कि भलाई प्राइस जो है ऊपर गई है बट ये हाफ ईयरली की कैंडल है वीकली पे तो डेली पे तो बहुत नाटक हुए हैं ये देखिए इसको पीएस किया और फिर उसके बाद में एक बार एक बार के लिए सारे सप्लाई जोन टाइप से चल रहे हैं फिर प्राइस अगेन आप जाने की कोशिश कर रही है अगेन आप जाने की कोशिश कर रही है ये वो एरिया आता है जहां पे हम वेट करते हैं या तो यहां जाए प्राइस या फिर उसको खत्म करें उससे पहले हम कोई भी हमारा दिमाग ही ना लगाए क्योंकि हमें नहीं पता ना कि इस केस के अंदर में देखिए सप्लाई जोन के अंदर में जस्ट प्राइस है आसपास के डिमांड जोन हम ट्रेड नहीं कर सकते तो कुछ दिन के लिए बस स्टॉक को देखते रहे इन कैंडल को कि ये क्या खेल कर रही है नया प्राइस एक्शन बनने दीजिए तब तक कोई भी दिमाग ही ना लगाए ना उसके अंदर में या तो इसको खत्म करके ऊपर जाएगी अग्रेसिव खेल या फिर इस वाले डिमांड जोन में आएगी तब हमको ट्रेड लेने की सोचेंगे फाइनली प्राइस कोशिश कर रही है ऊपर जाने की लेकिन ऊपर जाते जाते इसने क्या किया अगेन जो अभी मैंने बताया उस हाफ ईयरली में भी एक मंथली का ओरिजन है ना उसको हिट कर गई प्राइस और उसको हिट करने के बाद में ये देखिए इस टाइप से कुछ सेलिंग प्रेशर आया और ये सेलिंग प्रेशर जो है फाइनली हमें यहाँ पे एंट्री देता उस मंथली के डिमांड जोन में यहाँ पे मंथली का ही नहीं वीकली का भी डिमांड जोन है वहां पे हमें इसने एंट्री दी एंट्री देने के बाद में कुछ दिन के लिए जो नियरेस्ट सप्लाई जोन होते हैं उन्होंने रोकने की भी कोशिश करी बट एक स्ट्रॉन्ग मंथली के डिमांड जोन से प्राइस अप जा रही है प्राइस अप जाते 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 जो भी क्वालिटी के डिमांड बना रही है ना ये वाले क्वालिटी के डिमांड ये मैं क्वालिटी सिर्फ डेली पे देख के नहीं बोल रहा वीकली पे आप स्ट्रक्चर देखिए ये कहीं ना कहीं इस पूरी पिक्चर को आपको मैं वीकली पे दिखाता हूँ अभी देखिए एक बार डेली देख लीजिए कहां तक है यह है डेली एक बार के लिए इन कैंडल को छोड़ दीजिए ये जो रैली है ना ये वाली जो रैली सबको ऐसा ही लग रहा हो देखिए हायर हाइज हायर हाइज बना रही है कंटिन्यूसली वीकली पे ये देखिए वीकली के ऊपर में जैसे ही प्राइस ने इसको हिट किया है ना मंथली और वीकली के डिमांड जोन को उसके बाद से हर एक वीकली का डिमांड जोन चल रहा है हर एक वीकली का डिमांड नो डाउट ये वाला सप्लाई जोन प्राइस को थोड़ा डाउन लेके आया डाउन लाने के बाद में लेकिन अगेन ये वीकली का डिमांड जोन चल गया प्राइस अगेन अप गई और ये वीकली का डिमांड जोन ये तो अग्रेसिवली चल रहे हैं इनमें जिसमी में भी एंट्री मिल रही ना वो सबके सब चल रहे हैं और कहां तक चल रहे हैं प्राइस ने देखिए अगेन उस मंथली के अंदर में भी जो एक टॉप का ओरिजन था ना उस मंथली के अंदर में भी ये वाला ओरिजन यहां से कुछ सेलिंग प्रेशर वापस से आ रहा एक बार के लिए लोगों को ट्रैप किया कि इसके ऊपर में जा रही है इसको ब्रीच भी कर दिया बट क्लोज नहीं हो पाई और जब तक क्लोज नहीं हो पाई है तब तक हम ये नहीं कह सकते कि प्राइस अप ही जाएगी क्लोज होती तो हमें कुछ कंफर्मेशन मिलती बट उससे पहले हम नहीं कह सकते

किसी को ये लग रहा है ये डाउटफुल है बिल्कुल छोड़ दीजिए आपको लग रहा है कि नहीं चलो ऊपर वाला तो अग्रेसिव था किसी को लग रहा है कि ये अग्रेसिव है ये कंजर्वेटिव है इसको भी छोड़ दीजिए कि प्राइस नहीं भी बट इससे नीचे भी तो वीकली के अच्छे खासे एरियाज बन रहे हैं अब एक बार के लिए मैं इसको मार्क कर देता हूँ इस वाले एरिया को ये हुआ वीकली का अनदर डिमांड जोन और कोई है क्या और एक ये नीचे ये है यहाँ पे ये वाला एरिया यहाँ पे इसको मार्क कर लो या फिर डेली के ऊपर में इसी में और अच्छी पिक्चर देख लो ये रही डेली पे और भी अच्छी पिक्चर अब आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक चीज बन रही है और वो ये बन रही है कि जो प्राइस ऐसे धीरे धीरे अप जाने की कोशिश कर रही है ध्यान से समझिएगा पिक्चर को सबसे पहले तो रोका इस एरिया ने इस एरिया ने रोकने के बाद में दोबारा से प्राइस अप जाती है इस वाले मंथली के एरिया पे इसने दोबारा से प्राइस को डाउन किया बट ये सारे के सारे एरियाज जैसे ये वाला तो ज्यादा डाउन नहीं लिया पाया लेकिन उसमें मंथली का जो रिजन था ना वो अच्छा खासा डाउन ले आया लेकिन ये मंथली का डिमांड जोन भी हो रहा है ये एक अच्छी बात है मतलब बायर जो है है वो अग्रेसिवली है इस स्टॉक के अंदर में अगेन प्राइस अप जा रही है और फाइनली अप जाते जाते प्राइस ने हिट कर दिया डेली का जो एकदम से टॉप का ओरिजन था और बायर इतने तो स्ट्रांग थे कि उन्होंने उसको खत्म भी कर दिया बट बस क्लोज नहीं हो पाए क्लोज नहीं हो पाए तो अगर यहां से आप जाके क्लोज होती है तो हम यहाँ पे अग्रेसिव प्लान करना स्टार्ट कर देंगे पहली बात तो ये कि अगर यहां से प्राइस मिस होती है ना हमसे करंट मार्केट प्राइस पे तो कुछ नहीं करेंगे लेकिन अगर किसी भी वजह से प्राइस में एक रैली आती है और ऊपर जाके क्लोज होती है तो हम अग्रेसिवली फिर प्ले करना स्टार्ट कर देंगे पहली चीज तो ये सेकेंड चीज ये कि अगर बाई चांस नीचे आती है ना तो ये है हमारे पास में एरिया प्ले करने के लिए और उस एरिया के अंदर में ये रहा वीकली का डिमांड जोन और ये रहा वीकली और डेली दोनों का डिमांड जोन तो मैं एंट्री कहाँ पे प्लान कर सकता हूं मतलब मेरे अकॉर्डिंगली अगर मैं ये कहूं इस वीकली और साथ में मैं इस डेली के इस एरिया को कंसिडर करते हुए यहां पे एंट्री लेता हूँ वन पे तो क्या प्रॉब्लम है मुझे मतलब इस स्टॉक का पूरा प्राइस एक्शन समझ में आ गया ना कि इस स्टॉक के अंदर में मुझे पूरा प्राइस एक्शन समझ में आ गया और उसके अकॉर्डिंगली अगर मैं यहाँ पे एंट्री लू तो क्या दिक्कत है ये मैं एंट्री डेली पे नहीं ले रहा है ये मैं बस वीकली पे ही ले रहा हूं आपको बस डेली पे तो मैंने यहाँ पे क्यों रखी कि एक ये एरिया और है कहीं वीकली वाली मिस ना हो जाए और ये अपने आप में एक अच्छा ओरिजन लग रहा है मुझे ये अपने आप में एक अच्छा ओरिजन लग रहा है मैंने एंट्री वीकली को कंसिडर करते हुए मार्क कर रही है बस एग्रेसिव रख ली क्यों क्योंकि डेली पे मुझे थोड़ी सी और अच्छी पिक्चर दिख रही है वहां पे आप ये माने की मेरा एग्जीक्यूशन जो है ना वो वीकली टाइम फ्रेम पे ही है वीकली टाइम फ्रेम पे जो डिमांड जोन मार्क किया वहीं पे मेरा एग्जीक्यूशन है अब आप साथ साथ के अंदर में आप ये भी देख लीजिए कि जब मैं ये मार्क कर रहा हूं तो अगेन वही बात आ गई कि सर अब ये कह रहे हैं कि इस वीकली वीकली को कैसे मार्क कर रहे हो मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस थोड़ी कहां गई दो चीजें हैं अभी यहां पे मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली यहां पे अगर इसमें मल्टीपल टाइम फ्रेम ना भी बैठे ना यहां पे हैं, तो भी मैं स्ट्रेट को ले सकता हूं क्यों क्योंकि इस स्टॉक पे मुझे सब चीजें समझ में आ रही है कि डे वन से जैसे ही प्राइस ने उस हाफ ईयरली क्वार्टरली ईयरली के एक मतलब ईयरली इनकम ट्रेड एक्टिवेट हुई थी ना उसके बाद से बायर कितने अग्रेसिव हैं बायर इतने अग्रेसिव है कि ये हाफ ईयरली का इप्लाई जोन है हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को प्राइस ने जस्ट हिट किया लेकिन ये चल गया तो चलने के बाद में एक पॉइंट तो दिमाग में आएगा ना कि यार डेली का डिमांड जोन भी चल गया तो कहीं ना कहीं बायर इस पॉइंट से जहां पे हमारे उस एरिया में प्राइस आई थी वहां पे अग्रेसिवली बाइंग कर रहे हैं मतलब अशोक लीलैंड के अंदर में एक अच्छी वैल्यू समझ रहे हैं इंस्टीट्यूशन यार अशोक लीलैंड एक अच्छा शेयर है इसको बाई करना चाहिए और अग्रेसिवली बाई हो रहा तभी तो हाफ ईयरली का सप्लाई जोन भी देखिए प्राइस को ज्यादा होल्ड नहीं कर पा रहा है एक बार के लिए रोका लेकिन कोई डाउनफॉल नहीं ला पाया यहाँ से आप समझ सकते हैं डेली का डिमांड जोन ही चल गया इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए हम इस पे बिल्कुल ट्रेड नहीं करते डेली के डिमांड जोन पे क्यों क्योंकि हमारे अकॉर्डिंगली तो सप्लाई जोन को हिट होकर आ रही है और नियरेस्ट डेली का डिमांड जोन हम ट्रेड नहीं करेंगे बट चलने के बाद में हमें कॉन्फिडेंस है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ और ये कॉन्फिडेंस हमारा बना रहता है कंटिन्यूसली कि उसमें जब जब भी प्राइस सप्लाई को हिट कर रही है तो कोई बड़ा डाउनफॉल नहीं लेके आ रही है और बायर धीरे 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 कंटिन्यूसली आप भी लेके जा रहे हैं एक बार उस हाफ ईयरली और मंथली के स्ट्रॉन्ग सप्लाई को हिट करने के बाद में जरूर ऐसा हुआ कि यहां से एक सेलिंग प्रेशर आया बट उसको भी देखिए इसने रोक लिया मंथली और वीकली के एरिया ने तो हमारा कॉन्फिडेंस और बढ़ रहा है कि बायर जो है वो वाकई में और रोकने के बाद में देखिए कितनी अच्छी रैली आई तो जब ये रैली स्टार्ट हुई है ना कोविड से तब से मैं ये कह सकता हूं कि बायर जो है ना स्टॉक के अंदर में अच्छे खासे पावर में है वो सप्लाई जोन को ज्यादा देर तक नहीं रुकने दे रहे हैं। तो ये वाली जो चीज है ना इस वाली चीज का मैं कहां से रिजल्ट लेके आया हूं मैंने दो साल की ट्रैकिंग से इस चीज का रिजल्ट निकाला तो उसके अकॉर्डिंगली अगर आज मुझे इस वीकली का डिमांड जोन पे भी एंट्री मिले ना नॉर्मल पे तो भी मैं ट्रेड लूंगा और उसके अकॉर्डिंगली तो मैं अगर ये भी कहूँ ना कि मुझे थोड़ा सा और कुछ अच्छे से फैक्टर इसके फेवर में मिल जाते लाइक सेक्टर वगैरह ये सब चीजें तो हो सकता है मैं करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड कर लूं। लेकिन देखिए अलग अलग कैटेगरी अगर कोई इस स्टॉक को रेगुलर टाइम से ट्रैक कर रहा है उसे सेक्टर की पूरी पिक्चर पता सब चीजें पता तो हो सकता है वो करंट मार्केट प्राइस पे इस पे ट्रेड करे सेकंड कैटेगरी ये कि सेक्टर वगैरह छोड़िए कि थोड़ा सा भी मन में डाउट है कि करंट मार्केट प्राइस पे कहीं धोखा ना दे दे ये कहीं ट्रैप ना हो जाए हम लेकिन ये कॉन्फिडेंस है कि दो साल से ट्रैक करने के बाद में कि ये बेस्ट एंट्री है ये हुई सेकंड कैटेगरी और थर्ड कैटेगरी होती है आप लोगों की क्योंकि अभी आप लोग बिगिनर हैं तो आप तो ना तो करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेड करेंगे ना इस पे करेंगे क्योंकि इस पे आपको चाहिए मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस हो रही हाँ अगर सिक्स मंथ हो चुके होते ना तो शायद आप इसको ट्रेड कर चुके होते हैं। इसको आप ट्रेड कर सकते थे क्योंकि एटलीस्ट इस सिक्स मंथ से आप इस पूरी रैली को ट्रैक कर रहे हैं बट अभी आप इसको ट्रेड नहीं कर सकते लेकिन अगर किसी भी वजह से ये एक कोई भी मल्टीपल टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली कोई ट्रेड बन जाए तो तो फिर आप इसको ट्रेड कर लीजिए मैं ये कह रहा हूं ये एक वीकली 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 का वीकली का वीकली का लोकेशन है 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 एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन अगर मंथली पे ट्रेंड अप है और क्वार्टरली का जब डिमांड जोन है इसके अंदर में यहां पे तो बन गई ना क्वार्टरली इनकम ट्रेड क्वार्टरली इनकम ट्रेड के लिए हमें क्या चाहिए क्वार्टरली का लोकेशन ये देखिए ये रहा क्वार्टरली का लोकेशन मंथली का ट्रेंड हमारे फेवर में है और ये रहा वीकली का एग्जीक्यूशन तो बन गई ना बहुत अच्छी ट्रेड दिक्कत क्या फिर इसमें आप चाहें तो इस क्वार्टरली को मार्क भी कर लेते हैं अब देखिए क्वार्टरली का लोकेशन ये ई एम वगैरह लास्ट में आप देख लीजिएगा कि क्वार्टरली का लोकेशन मिल गया मंथली का ट्रेंड भी हमारे फेवर में है और वीकली पे ये रहा एग्जीक्यूशन तो बन गई नहीं क्वार्टरली इनकम ट्रेड अब आप सब लोग इसको ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है और मैं ये कहूं कि ये रही अनदर वीकली इनकम ट्रेड उसी क्वार्टरली में एक लोकेशन तो ये है एक लोकेशन ये है ये है वाला बॉटम का अब चाहे आप इसको यहाँ से लेके यहाँ मार्क करें या फिर चाहे आप डायरेक्टली डेली पे मार्क कर लें यहाँ से लेके यहाँ तक बात तो एक ही है ना मतलब भले ही आप डेली पे एग्जीक्यूशन ले वीकली पे ले दोनों डिमांड तो एक ही जगह पे है ना दोनों जोन तो एक ही जगह पे वाली भी इनकम ट्रेड है नीचे वाली भी क्वार्टरलींट्री है।, तो पे पे तो है, मतलब है ये वाली और दोनों की दोनों बेस्ट लग रही है और दोनों की एक अच्छी बात बताऊं आपको क्या है दोनों के अंदर में जो टारगेट है ना वो आपको बहुत बड़ा मिलेगा दोनों के अंदर में टारगेट आपको बहुत बड़ा मिलेगा क्योंकि चाहे यहां एंट्री मिले तो भी आपको पता है कि आसपास सब कुछ गार्बेज है कुछ अच्छा नहीं है तो ऑल टाइम हाई का टारगेट मिल सकता है वो हम ट्रेलिंग वाले दिन देख लेंगे कि ट्रेलिंग अगर यहाँ पे सर हमें एंट्री मिल जाए 125 मिनट पे तो टारगेट को हम कहां तक रख सकते हैं टारगेट आप ट्रेल कर करके हो सकता है अगर इस स्टॉक में पोटेंशियल है कि थ्री हंड्रेड फोर हंड्रेड फाइव हंड्रेड जाने का तो वहां तक के भी आप रैली इंजॉय कर सकते हैं टेन इज टू वन ट्वेंटी इंजॉय कर सकते हैं यस yes, डेफिनेटली आप कर सकते हैं बाई चांस किसी भी वजह से किसी भी वजह से जैसे कहते ना कि दो परसेंट केसेज ऐसे बन गए कि ये वाला डिमांड जोन ब्रीच होता नीचे वाले डिमांड जोन पे भी आप एंट्री लेंगे तो भी टारगेट वही होगा तो नीचे वाले में सोचिए आरआर कितना बड़ा होगा नीचे वाले में तो आरआर आपको और भी बड़ा मिलेगा अगर ऊपर वाले में आपको फाइव स्टू वन मिल रहा था तो नीचे वाले में बाय डिफॉल्ट टेन स्टू वन हो जाएगा आपका टारगेट स्टिल वही रहेगा और ये भी चीज हमें पता है कि ये प्राइस का ओरिजिन है और ओरिजन तो अपने आप में इतने पावरफुल होते हैं ओरिजन तो अपने आप में इतने पावरफुल होते हैं चाहे वीकली मंथली क्वार्टरली कोई उनपे डिमांड सप्लाई होना हो यहां से लेके यहां तक प्राइस को लाना और 95 से प्राइस को पहुंचाना 170 तो ये अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं चाहे इनको मंथली क्वार्टरली का सपोर्ट मिले या ना मिले लेकिन यहाँ पे तो हमें पता सारे सपोर्ट मिल रहे हैं क्वार्टरली वीकली मंथली सारे सपोर्ट मिल रहे हैं यहाँ पे कितनी प्यारी डेली की स्ट्रक्चर है तो इस ट्रेड को लेने में क्या दिक्कत है बिल्कुल लेनी लेनी चाहिए और अगर आप ये माने कि सर बाई चांस यहां से मिस हो गई तो क्या दिक्कत है इसके ऊपर क्लोज होने दीजिए फिर अग्रेसिव ट्रेड लीजिए तो मैं इस्टाप इस से स्कैन करता हूं और अब ये मान लीजिए मैंने आपको इस स्टॉक की पूरी कुंडली दे दी अब इस स्टॉक को आगे कैरी फॉरवर्ड करने के लिए आपको प्रॉब्लम आ आ, आएगी क्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए अब इस स्टॉक को पूरा आप आगे के लिए चला सकते कि अशोक लेलंड को आज ही एड कर लेते हैं फेवरेट स्टॉक के अंदर में और इस स्टॉक में ये तो रही एंट्री जो सर ने बताई है बस अब इन के अंदर में जो भी कैंडल्स बनती जाएंगे इनको ट्रैक करते जाएंगे यहां आएगी एंट्री लेंगे और ऊपर चली गई यहां से तो हमारे पास में नए डिमांड सप्लाई बनेंगे लेकिन इसकी पूरी कुंडली हमें समझ में आ गई कि कौन कौन से सप्लाई ने कितने दिन रोका कौन कौन से डिमांड जोन से रिएक्ट हुई कौन कौन से सप्लाई टूटे और कौन कौन से डिमांड जोन रेस्पेक्ट किए वो सब चीजें हमें समझ में आ गई यहां से देखिए समझ में आ रहा आपको यहां से आपको समझ में आ रहा है और जो मैं हमेशा ये कहता हूं आप लोगों को जैसे कल टाटा मोटर में कहा आपको कभी भी फ्यूचर में आफ्टर टेन ईयर अभी तो नहीं आफ्टर टेन ईयर कभी भी जब क्रैश आता है कभी भी और उस केस के अंदर में इससे भी जो नीचे यहां पे मैं बात कर रहा था ना अभी एक मंथली का नया डिमांड जोन ये वाला है सेवेंटी रुपीज के आसपास में तो कभी यहां पे प्राइस आए तो क्या डरने की जरूरत है बिल्कुल नहीं कीजिए ना आप वहां पे इन्वेस्टमेंट इस एरिया के ऊपर में जो मंथली का डिमांड वहां पे कीजिए आप इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो यही पॉइंट बहुत बड़े हैं बहुत अच्छे हैं प्रॉब्लम बस ये होती है कि हम पूरा पैसा एक स्टॉक में डाल देते हैं और वो भी मार्जिन ट्रेडिंग पे बस इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है वो भी सेक्टर वाले क्लास वाले दिन मैं आपको बता दूंगा कि कैसे डाइवर्सिफिकेशन सही रहता है कि किस हिसाब से कितने किस स्टॉक में कैसे पैसा डालना चाहिए अब अपन ये सोचें कि अभी करंट के ऊपर में मंथली पे सब कुछ गार्बेज है गार्बेज है वीकली पे भी कुछ अच्छा नहीं दिख रहा डेली पे भी देखिए सब कैंडल ऐसी ऐसी बन रही है गार्बेज 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 और हम जबरदस्ती इसमें अभी के अभी ट्रेड ढूंढने बैठे तो वो है बेवकूफी साफ साफ और आपको पता है कि ये प्राइस एक्शन हो गया बस आप इसको देख रहे थे बस एंजॉय कर रहे थे कि देखते हैं क्या होता है देखते हैं क्या होता है इसके अंदर में और अब इसका टाइम आ गया या तो यहां आएगा या फिर ऊपर जाएगा अब कुछ दिन में आपको ट्रेड मिल जाएगी या तो नीचे वाली मिलेगी या फिर नई ट्रेड मिल जाएगी ये होती है समझदारी देखिए चलने को तो ये एरिया भी चल ही रहे ये वाले एरिया भी बट आपको एज ए बिगिनर नहीं पता ना कि यार इसने इसके ऊपर में क्लोजिंग नहीं दिया तो इस पर रिस्क लू या ना लू चलने को तो ये वाला भी चला इसके जो बॉटम वाला है ये भी चला बट एज ए बिगिनर मैं आपको रिकमेंड नहीं करता चलने को तो ये देखिए जो अभी अभी हमने वीकली का डिमांड जोन मार्क किया था ये वाला भी चला एक ऊपर है ये वीकली का डिमांड जोन ये दो बार चला अभी डेली पे हमने देखा EMA का सपोर्ट भी चला है ये वाला EMA का सपोर्ट भी चल रहा है ये वाला एरिया जिसमें अभी अभी प्राइस आई ये वाला भी चला ये है ओरिजन जो हमने क्लास के अंदर में क्लास में पढ़ा था कि ऐसे किसी भी जोन को रैली बेस रैली को यहाँ पे मार्क नहीं करना है जब फोर बेस कैंडल है तो उनमें ये देखे डाउन वाली बेस कैंडल कौन सी उसका ओरिजन कौन सा है यहाँ पे यहाँ पे मार्क करेंगे बट आपको जो एक चीज सिखाई है कि इसने इसके ऊपर में अभी क्लोज नहीं हुई है तो हो सकता है ट्रैप ना कर दे कहीं पे तो ऐसे में रिस्क ना लें लेकिन टाइम के साथ साथ में जब ये पूरी रैली को आप ट्रैक कर रहे होंगे ना तो आपको समझ में आएगा कि इतने वीकली के सप्लाई जोन भी प्राइस को ज्यादा डाउन नहीं ला पाए और वीकली के सारे डिमांड जोन चल रहे हैं इनफैक्ट ई एम से ये प्राइस चली ई एम से ये प्राइस चली ई एम से ये प्राइस चली और फिर प्राइस देखिए डाउन भी आ रही है ना तो भी कितने गार्बेज के साथ में आ रही है तो इन ई को देखते हुए इस पूरी रैली को देखते हुए जो यहां वाली जो ट्रेड है ना यकीन मानिए कि आफ्टर सिक्स मंथ वन ईयर तो आप इनको भी कैप्चर कर पाएंगे लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने यहां से लेके यहां तक की पूरी रैली अपनी आंखों के सामने देखी हो तो उस केस के अंदर में चलो ये मिस हो गई क्योंकि आपको डर था कि पता नहीं क्या होगा बट आपको एक पॉइंट मिला कि मंथली के ई से प्राइस चल गई गार्बेज गार्बेज बनी ये कुछ कैंडल बन रही है आपको एक फील आने लगेगा कि यार इसे तोड़ने की कोशिश कर रही है प्राइस हो सकता है इसको ब्रीज कर दे आप देखेंगे एक सेलिंग प्रेशर है लेकिन ये में से वापस रिएक्ट हो गई और अगेन एक ग्रीन कैंडल बनी आपकी गट फीलिंग और स्ट्रांग होगी कि यार ये टूटने वाला सप्लाई जोन फिर आप ये सोचेंगे कि एक बार इस डिमांड जोन में एंट्री मिल जाए ना तो हम यही कहेंगे कि डिमांड जोन में एंट्री मिली और सप्लाई जोन लास्ट तक मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो चुका है तो आपको एक और स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि ये शायद पूरे पूरे टूटने के चांसेस है बाइंग देखिए कितनी अग्रेसिव हो रही है और इस पूरे डिमांड सप्लाई जोन को खत्म कर दिया बाइंग ने और हमें अभी एंट्री मिली एंट्री मिलने के बाद में यहाँ पे जो अभी दो डेली की स्ट्रक्चर देख रहे थे ना वो दोनों की दोनों चल रही हैं एक तो ये वाली चली और एक इसके जो बॉटम पे है ना यहाँ पे ये वाली भी चली दोनों की दोनों चली बट साथ साथ में आप देखेंगे कि गार्बेज गार्बेज भी बन रही है मतलब प्राइस डाउन भी आ रही है सारे सप्लाई जोन भी काम कर रहे हैं आप देखेंगे कि ये सप्लाई जोन भी काम किया है ये वाला सप्लाई जोन भी काम किया है ये वाला भी काम कर रहा है यहाँ पे जो कुछ है वो भी काम कर रहा है यहाँ पे जो कुछ है वो भी काम कर रहा है सब काम कर रहे हैं और कहा तक काम कर रहे हैं और ये सप्लाई जोन की वजह से पूरी ट्रेंड लाइन बन रही है इस पूरे सप्लाई जोन की वजह से अल्टीमेटली प्राइस उस वीकली के डिमांड जोन को हिट करती है नीचे वाले वीकली के डिमांड जोन को यहां से आप जाती है तो ट्रेंड लाइन के ऊपर जा रही है और अब प्राइस एक डायरेक्शन लेने की कोशिश कर रही है कि अब मैं किधर जाऊं क्या इसको मैं तोड़ दूं तो यहां पे हो सकता है उस पूरी पिक्चर को देखते हुए आपको फील आए कि यस अब टूटना चाहिए शायद हो सकता है प्राइस यहां तक ना आए बट आप इस पूरी पिक्चर को देखी होती तो आपकी ये फीलिंग स्ट्रांग होती अभी के लिए ये सोचे ही नाने जैसे कल टाटा मोटर की हम बात कर रहे थे तो अभी के लिए ये सोचे ही नाने कि यहाँ पे आने वाला ये क्यों सोचे कि सर की फीलिंग है ये टूटने वाला तो मैं भी उसको मैच करूं नहीं मैंने बताया ना मेरे अकॉर्डिंगली ये नहीं भी टूटा मुझे एक परसेंट फर्क नहीं पड़ेगा मुझे ये पता है कि मेरा एक लोट का नुकसान मैं यहाँ पे किस हिसाब से उसको कितने बड़े प्रॉफिट में कन्वर्ट कर लूंगा मुझे ये पता कि यहाँ पे मेरा क्या एक्शन होगा क्या नहीं होगा बट आप आज से यह गलतियां करने लगे कि यहाँ पे ही बाई कर लूँ करंट मार्केट प्राइस पे नहीं करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेडिंग करने में एक परसेंट प्रॉब्लम नहीं है लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा आपको बहुत दिन तक ये सब चीजें देखनी पड़ेंगी तब जाके करंट मार्केट प्राइस पे ट्रेडिंग होती है इनिशियली नहीं होती है

दो परसेंट अप ओपन होगी लोगों को लगेगा कि गया स्टॉक और फिर हो सकता है कि वन मंथ तो पूरा प्रीमियम खाने में लगाए और नेक्स्ट मंथ इस डिमांड जोन पे जब सब लोग एग्जिट कर चुके होंगे और यहां से एक बूम आएगा जो ऑल टाइम हाई पे लेके जाएगा मैं तो जो भी स्टॉक ट्रैकिंग करता हूं उनके अंदर में नाइन्टी में ऐसा ही होता है तो मैंने बताया ना जो ट्रेडर की स्टेप होती है स्टेज होती है उनके साथ में ट्रेडर को चलना चाहिए अभी आपको लग रहा है डीआईटी डब्ल्यू आई टी एमआई कुछ नहीं बन रही तो है तो छोड़िए ना बट हमने एक हाफ ईयरली से समझना स्टार्ट किया कितना सा टाइम लगा इसको समझने के अंदर में ये तो अभी मैं आपको चीजें डिटेल में एक एक एक, एक समझा रहा हूँ लेकिन आप जब खुद ये मार्किंग कर रहे होते तो टेन मिनट लग जाती फिफ्टीन मिनट लग जाती मान लीजिए आधा घंटा मान लेते हैं लेकिन आधे घंटे में एक स्टॉक की पूरी कुंडली तो तैयार होगी ना अब ये तो समझ में आ जाएगा ना कि अब आप कोई गलती नहीं करने वाले यही है टॉप डाउन अप्रोच यही है प्राइस एक्शन कि कहां गलती होनी है वो हमने उसको न्यूट्रलाइज कर दिया कहां पे हमें एंट्री लेनी है एकदम से सही एंट्री का पॉइंट निकाल लिया और डायरेक्टली कोई सोचे कि इसी पे ट्रेड कर लूं कि बहुत अच्छा एरिया बना कुछ भी मार्किंग नहीं है कुछ भी नहीं पता ये तो यहां पे चल गया बट बाय चांस ये नहीं चलता तो सुख हो जाते यार इतना अच्छा डिमांड जोन क्यों टूट गया इतना अच्छा डिमांड जोन क्यों टूट गया बिल्कुल टूट सकता है इतना अच्छा डिमांड जोन बिल्कुल टूट सकता है जब किसी हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन से आ हरा तो इसीलिए तो इतना ब्यूटीफुल को डिजाइन किया है सब चीजें पहले ये पढ़ी है यहाँ पे भी कुछ ओरिजन होता है यहाँ पे भी कुछ ओरिजन होता है इन दो बेस कैंडल में भी हमें पता कौन सा ओरिजन है अभी अभी हम जो बात कर रहे थे हमें पता कि इन बेस कैंडल में भी कौन सा ओरिजन है इन सारी चीजों को पढ़ते फिर मल्टीपल टाइम फ्रेम को पढ़ते फिर वेट टू बी अग्रेसिव टू बी कंजर्वेटिव को पढ़ते वो एक पूरा फ्लो में इसीलिए तो पढ़ा हमने और डे वन से बस यही चीज बोली थी कि अगर सच में लाइफ चेंज करना चाहते हैं तो बस इन बीस क्लासेस को सीरियसली देख लेना और इनके सीरियसली नोट्स बना लेना आप और इन पे प्रैक्टिस कर लेना डेफिनेटली लाइफ चेंज हो जाएगी क्या मुझे यहाँ पे दुनिया के किसी भी इंडिकेटर की जरूरत है क्या दुनिया के किसी भी इंडिकेटर क्या दुनिया के किसी भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न की या फिर कोई भी फ्लैग पैटर्न की ये मैं जो आपको दिखा रहा हूँ ना इनमें आप जितने चाहे उतने पैटर्न निकाल लीजिए मिल जाएंगे आपको जितने चाहे उतने पैटर्न चैनल ब्रेकआउट जिसे बोलते हैं ऐसा ही होता है कि चैनल ब्रेकआउट कि अप जाएगा तो अप साइड में ब्रेकआउट डाउन जाएगा तो डाउन साइड में ब्रेकआउट और ये देखिए हो गया ट्रैप डाउन साइड में आया लोगों को लगा सेलिंग प्रेशर डाउन साइड में चैनल ब्रेकआउट आया किसी ने यहां सेल किया पता ही नहीं लगा डिमांड जोन को हिट करी और वो पूरा रिवर्स कर दिया उसको प्राइस ने फिर अगेन लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक नया चैनल ड्रॉ करेंगे यहां से लेके यहां तक ऐसे ही तो करते हैं लोग अपनी मर्जी से बस कुछ ना कुछ बनना चाहिए चार्ट पे चाहे डायनासोर बने चाहे कुछ भी बने आपने खूब देखेंगे पैटर्न कैसे कैसे बनाते रहते हैं लोग फिर लोग कहेंगे कि ये वाला पैटर्न अब इससे भी गलती से ऊपर जाने लगेगी ना प्राइस गई ऑल टाइम हाई पे ये भी देखिए फेल हो गया अब यहाँ पे जाके कोई डाउन, 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 तो को डाउन ब्रेकआउट है और वहां डिमांड जोन को हिट करते वो भी फेल हो सकता है और यहां पे मैंने बताया ना सारे कप एंड हैडल हुए फ्लैग पैटर्न हुए इन्हीं से बने इस, इस पिक्चर के अंदर में आप जितने निकाल सकते हैं इस पिक्चर के अंदर में लोगों ने अपनी मर्जी से ये हेड एंड शोल्डर ये बन गया ये बन गया यहां पे जो रिवर्स हेड एंड शोल्डर होता है ऐसा इसमें मुझे क्या जरूरत है कि ये वाला सेकंड शोल्डर बने ही बने अगर आप इस पैटर्न का वेट करेंगे तो सोचे ना रिवर्स हेड एंड शोल्डर बनने दू और उस रिवर्स हेड एंड शोल्डर में अगर ऐसा कुछ बन भी गया और आप सोचे इसके ऊपर में जाएगी तो ही प्राइस में एंट्री लूंगा इसके ऊपर में ऐसा ही तो होता है ना रिवर्स हेड एंड शोल्डर के अंदर में एक होता है हेड एंड शोल्डर एक होता है रिवर्स हेड एंड शोल्डर कि इसके ऊपर में ये है लेफ्ट साइड का शोल्डर यह है राइट साइड का शोल्डर यह हेड है है अगर इस नेक लाइन के ऊपर में प्राइस जाएगी तो मैं एंट्री लूंगा ऐसा ही होता है और फिर वो ये कहते हैं यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है ना इससे लेके यहां तक का जो डिस्टेंस इतना ही बड़ा मूव है अब ऊपर की साइड में आना चाहिए क्यों आना चाहिए ऐसा कोई रूल है क्या पहली बात तो ये कि आपको एंट्री लेने के लिए इसके ऊपर जाने की क्या जरूरत है जब आपको यहाँ पे एक इतनी अच्छी ईयरली इनकम ट्रेड बन रही है तो आप उनसे हमेशा एक दो कदम छोड़ी दस दस कदम आगे रहेंगे उनसे हमेशा और फिर उसके बाद में ये कहूं मैं आपको कि यहां तक के टारगेट की क्या जरूरत है अगर इसका डबल बिल्कुल सोचे कि यहां से लेके यहां तक की बड़ी अप मूव आए ये सप्लाई जोन इसके अकॉर्डिंगली तो टारगेट यहां तक का होना चाहिए ना अगर यहां से इसको हिट करते प्राइस इमिडिएटली डाउन आ जाए तो और मैं ये कह रहा हूं कि ये सप्लाई जोन थोड़ा सा नीचे और होता तो तो ये इतनी बड़ी मूव मिलती नहीं क्योंकि आपके सामने सब चीजें दिख रही है कि कौन कौन से सप्लाई जोन को हिट कर करके प्राइस डाउन आ रही है रही है ये पैटर्न तो सब बाद में बन रहे हैं ये पैटर्न तो बन ही रहे हैं टेस्टेड टेस्टेड एरिया से ये नीचे वाला पूरा चैनल इन डिमांड जोन से बन रहा है इन टेस्टेड डिमांड जोन से और ऊपर वाला कैसे बन रहा है जैसे जैसे प्राइस सप्लाई को हिट कर रही है उसके अंदर में डीप जाने की कोशिश कर रही है डिमांड जोन से हिट हो होगी और जैसे हायर एक मंथली के इस ओरिजन को हिट करती है वहां से इस चैनल को इसने फेल कर दिया तो इन शॉर्ट ये चीज जो डिमांड सप्लाई है ना ये कोई ऐसी नहीं है कि लाइक की जैसे कि ऐसा माने की क्यों डिमांड सप्लाई क्यों बेस्ट है स्टॉक मार्केट में दूसरी चीज क्यों इसका वो नहीं बन सकती डिमांड सप्लाई से बेस्ट कोई दूसरी चीज क्यों नहीं हो सकती बात वो नहीं है आप इस चीज को समझें अगर कोई इस चीज को ये कहने कि डिमांड सप्लाई से भी कोई बेस्ट चीज है मेरे पास में ये है और मैं टेक्निकल एनालिसिस में इससे भी अच्छी थ्योरी निकाल निकाल सकता हूं ये निकाल सकता हूँ वो एक घमंडी आदमी बात कर रहा है कोई बिल्कुल घमंडी ये ऐसा नहीं है कि डिमांड सप्लाई जीटीएफ है तो फिर जीटीएफ के अंदर में मतलब जीटीएफ वाले ये पढ़ा रहे हैं तो मैं इसको चैलेंज करके दिखाऊंगा कि नहीं डिमांड सप्लाई पे चीजें ना चला के मैं दूसरी चीजों पे चलाऊंगा अरे स्टॉक मार्केट में नहीं पूरी रियल लाइफ ही डिमांड सप्लाई पे चल रही है पूरी रियल लाइफ ही डिमांड सप्लाई पे चल रही है जो सेकंड क्लास में मैंने आपको बताया था सब चीजें डिमांड सप्लाई पे चाहे कोविड के अंदर में मास्क सैनिटाइजर देख लीजिए कुछ भी देख लीजिए हर एक चीज डिमांड सप्लाई पे है हर एक चीज चाहे गाड़ियों की डिमांड बढ़े प्राइस बढ़ जाती है कि सप्लाई शॉर्ट हो गई चिप नहीं आ रही ये नहीं आ रही तभी तो ये गाड़ियां महंगी होती जा रही हैं और सप्लाई बढ़ती है डिमांड कम होती है वो प्राइस डाउन जाती मतलब पूरे रियल लाइफ आपके आसपास का पूरा डिमांड सप्लाई पे चल रहा है पूरा का पूरा डिमांड सप्लाई पे प्रॉपर्टीज कोई ले नहीं रहा था डाउन आते जा रहे थे भाव अब सब लोगों ने इंटरेस्ट दिखाने स्टार्ट कर दिया वापस अब जाने लग गए सब चीजें डिमांड सप्लाई है डियर सब चीजें और यही सेम स्टॉक

और फिर उसके अंदर में बाइंग इतनी अग्रेसिवली दिखाना है कि लोगों को लगे कि डिमांड 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 और लोग उस डिमांड के चक्कर में बस करे करे जा जा रहे रहे और इस को से से पहुंचा दिया इन जो कुछ है है वो डिमांड सप्लाई बस हम इस डिमांड सप्लाई की गहराई में जाते जा रहे एक्सप्लोर करते जा रहे और इसमें और भी नई नई चीजें आज भी एक्सप्लोर कर रहे एक्सप्लोर कर रहे एक्सप्लोर कर रहे और वो चल ही रहा है मतलब कि परमानेंटली ताकि किसी भी हिसाब से हमें ये हमेशा रहे कि इंस्टीट्यूशन यहां पे क्या गेम प्ले कर सकते हैं एक वीडियो है बहुत अच्छा एक बार क्लासेस हो जाने दें फिर मैं आपको भेजूंगा वेलकम टू द दिन क्लब वेलकम टू दिन परसेंट क्लब ये मैंने टू पॉइंटो के ऊपर में डाला था बहुत ही प्यारा वीडियो उससे आपको समझ में आएगा कि भले ही चाहे कुछ भी हो जाए कभी भी फ्यूचर में हम हमेशा से इंस्टीट्यूशन का जो भी माइंड है ना उसको क्रैक कर लेंगे हमेशा से क्रैक कर लेंगे इंस्टीट्यूशन यहाँ पे क्या कर सकते हैं इंस्टीट्यूशन कैसे ट्रैप कर सकते हैं वो सब चीजें हम क्रैक कर लेंगे ये सब चीजें बनाई इतनी गहराई में जाके है हमने कि हम हमेशा इस चीज के को, इस कोड को क्रैक कर लेंगे हमेशा क्योंकि हम नॉर्मल डिमांड सप्लाई के ऊपर में ऐसा नहीं कि हर बीआर डीबीआर को ट्रेड कर रहे हैं हम तो पूरी टॉप डाउन अप्रोच की कहां से क्या एक्शन चल रही है उस पूरी एक्शन के भी पे एक डिसीजन ले रहे ये सिंपल थ्योरी है समझ में आई एग्जाम्पल आप सब लोगों को okay that's great ओके okay, राहुल मैं देख लूंगा वो वीडियो आपका जब मैसेज आया था ना मैंने ओपन किया था कि सर आई होप आपको पसंद आएगा बट मुझे समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाह रहे हैं क्योंकि उसके आसपास मुझे कुछ दिखा ही नहीं फिर आपका काफी देर बाद में एक मैसेज आया हुआ था जिसमें लिखा था कि सर वीडियो अपलोड हो रहा फिर मुझे समझ में आया ओके <laughs> चलिए ठीक है अब स्टार्ट करते हैं क्लास रिविजन क्लास पूजा डियर अडानी को भूल जाओ मैं आपको ये कह रहा हूँ क्या जरूरत है उसके अंदर में कि मतलब जरूरत ही क्या है सर जिसमें पता है कि टोटल मेन्यूपलेशन हर कोई लोग उसमें पैसा छापने में लगे हुए हैं हर कोई चीज सूरज सर ने उसके लिए एक वीडियो भी डाला था अब देखिए कुछ एक चीजें मैं बताता हूँ हम उस लेवल की गहराई में जा सकते हैं कि कौन सही है कौन गलत है हम जैसे जैसे स्टॉक टूटेगा तब तब अडानी को गलत मानेंगे और जैसे जैसे बढ़ गया तो ये मानेंगे कि कोई ऐसे ट्रैप हो रहा था हम उस लेवल की गहराई तक जा ही नहीं सकते डियर

अब ये चीजें कंटिन्यूसली डिमांड क्रिएट करी गई हो डिमांड क्रिएट करी गई हो वहां पे अब वो डिमांड भी रिटेलर भी उस चीज को कब सही मानते हैं जबकि मैंने बताया ना कि उस स्टॉक के भाव बढ़ते जा रहे हैं बढ़ते जा रहे हैं अब वो भाव कोई भी बढ़ाए चाहे वो पैसा दे दे के बाहर से बाइंग करवा के बढ़ाया जाए चाहे कुछ भी बढ़ाया जाए जैसे होता है ना कि कोई बिल्डिंग के अंदर में अननेसेसरी सारे फ्लैट में से जैसे ऐसे कह देते हैं ना कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट तो वो डिमांड क्रिएट हो गई अभी जैसे पठान मूवी के अंदर में कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट हर एक टिकट के ऊपर में कि ये सब सोल्ड 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 आउट 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 चाहे वो उन्होंने खुद ने सारी टिकट खरीदी हो चाहे कि कि डे डे उन्होंने ये सोचा हो कि भी पूरा थिएटर हम ही बुक कर लेते हैं देखे ना देखे बात अलग है लेकिन टिकट हम ही खरीद कर लेते हैं और ये सोच लेंगे कि भले ही यहाँ पे ये भी बजट लग गया मतलब जो मूवी का बजट होता है ना उसमें दो दिन के टिकट बाइंग करने का और बजट लग गया बट इससे क्या होगा कि तीसरे दिन अपने आप ही लोग उसकी डिमांड इतनी ज्यादा हो जाएगी कि उस फिगर को देख के कि सारे जाएगा। मतलब एक logical, मैं बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं तो सिमिलरली क्या हो सकता है कि या तो सच में आर्टिफिशियल बाइंग हो डिमांड क्रिएट करी गई हो वहां तक लेके गए हो उसको अब सच के अंदर में उसमें ऐसा थोड़ी ना कि जो हिडनबर्ग है हिंडनबर्ग वो उसके अंदर में कि बिल्कुल दूध का दुलावा उन्होंने भी तो शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा बनाया ना उसके अंदर में अब वो ये सोचे कि डायरेक्टली हम शॉर्ट सेलिंग कर लेंगे तो डेफिनेटली ये चीज़ जो हम कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा स्कीम है तो वो चीज हम पे ही एलिगेशन उठने स्टार्ट हो जाएंगे तो उन्होंने जैसे ऐसे होता है ना कि हम नहीं करेंगे हमने हमारे इन्वेस्टर को हमने हमारे इन्वेस्टर को बोल दिया कि तुम करो शॉर्ट सेलिंग और तुम उसमें जो भी मुनाफा कमाओ उसमें से हमें कट देना उस मुनाफे के अंदर में ताकि डायरेक्टली हमसे कोई लिंक ही ना रहे उस चीज का हम तो बस एक एक ऐसी रिसर्च फर्म रहेंगे नीट एंड क्लीन जिसको ये कह सके हम कि भैया हम तो सिर्फ और सिर्फ चीजों के ऊपर में रिपोर्ट पब्लिश करते हैं रिपोर्ट पब्लिश करते हैं एक वीडियो था उसमें आपने सुना हो तो कि ये जो नाम भी पड़ा ना ये इस वजह से पड़ा कि कहीं ना कहीं मैन डिजास्टर की वजह से मैन डिजास्टर की वजह से एक हिडनबर्ग नाम का कोई प्लान था जो कि क्रैश हो गया था वो कंप्लीटली मैन डिजास्टर की वजह से हुआ था

बट कहने का मतलब ये कि ना तो इसमें अडानी हो चाहे बर्ग हो हम नहीं कह सकते कि कौन बिल्कुल प्रॉपरली सही है कौन प्रॉपरली गलत है हम ये कहें बिल्कुल हो सकता है कि अडानी जी बिल्कुल गलत हो भाव बढ़ाए हो सब चीजें बढ़ाई बट हिडन बर्ग ने भी तो उसमें पैसा बनाया ना अच्छा खासा शोर्ट सेलिंग कर करके और हर चीज पूरा बिजनेस चलती है अब वो चीज करने के लिए किसने बोला हो क्या बात एलोन मस्क ने कि भैया की जो आदमी यहां से लेके यहां तक पहुंच गया हो सकता है कि कल तेरे को भी बीट करके पहले नंबर पर बैठ जाए क्या पता एलोन मस्क ने इतना पैसा दे दिया कि भाई तू बिकेगा नहीं किसी भी तरह से तुझे जो पैसा चाहिए मैं दे रहा हूँ बट तू बिकेगा नहीं गलती से भी और ये सेकंड से फर्स्ट पे आए उससे पहले ही डाउन चला जाए मतलब एक पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है ना ये मैं सिर्फ एक जो हम जमीनी स्तर से जुड़े हुए आदमी है ना वो एक आइडियाज लगा सकते हैं कि ऐसा ऐसा कुछ भी हो सकता है पता नहीं कितने सारे लोगों ने पैसे दिए हों की यहाँ से डाउन लेके आना है बंदे को ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कुछ भी हो सकता है मैं ये कही नहीं रहा कि बिल्कुल सही है सब चीजें सही हैं अब जैसे कि लोग तो मैंने बताया ना अपने अपने व्यू दे सकते हैं सबके सब कि मतलब कि बाहर के टेस्ला के भाव बढ़े तब तुमने कुछ नहीं बोला अडानी के भाव बढ़ रहे तब तुम वो कर रहे हो टेस्ला के भाव बढ़े नहीं बोला नहीं बोला होगा अडानी के बढ़ रहे हैं जो चीज गलत है वो गलत है जो गलत है वो गलत है बस हाँ उस गलत के अंदर में मैंने बताया ना दूध के दुले कोई नहीं है सब अपना अपना हाथ छापने पर लगे हुए हैं

ओके okay. तो मैंने बताया ना कि हम सिर्फ एक आइडियाज लगा सकते हैं बाकी सब लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को चला रहे हैं सब लोगों को अपने अपने हिसाब से अपनी वैल्यू बनानी है बुक्स की वैल्यू बनानी है और जिनको प्रॉब्लम है और उन प्रॉब्लम के ऊपर में उनके ऊपर में किसी बड़े लोगों का सपोर्ट है तो वो दूसरे आदमी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं चलिए रिवीजन के ऊपर में आते हैं ऑलरेडी हमारा वन आवर हो चुका है आज मैं सोच रहा था सिर्फ टू आर की क्लास लेंगे ताकि रिवीजन क्लास सब लोगों को देखने में टाइम ना लगे एनी स्टार्ट करते हैं क्योंकि इससे भी हमारा बहुत सारा रिवीजन होगा कि कैसे डिमांड मार्क करने सप्लाई मार्क करने अग्रेसिव कंजर्वेटिव तो उसमें हमारा टाइम बच जाएगा लेट मी ओपन द पीपीटी मैं पीपीटी ओपन करता हूँ डे वन से हम स्टार्ट करते हैं देखिए हमारी जो पूरी फाइट थी ना गाइस रिविजन पे फोकस कीजिएगा ठीक है डे वन से हमने ये स्टार्ट किया कि हम जो कुछ भी पढ़ेंगे सबसे पहले तो कैंडलस्टिक पे पढ़ेंगे और कैंडलिस्टिक पे भी जाने से पहले हमने ये सोचा कि हम सब कुछ टेक्निकल स्टडी करेंगे क्योंकि टेक्निकल एक सही डाटा देती है फंडामेंटल तो देखिए अभी आप अडानी वाले एग्जाम्पल देख लीजिए क्या चीजें चल रही समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है फंडामेंटल तो ये चीजें होती है ना लेकिन टेक्निकल के ऊपर में बेसिकली क्या होता है कि हमें समझ में आता है कि ऐसा क्या हो रहा है कि अननेसेसरी इतना ऊपर प्राइस जा रही है अननेसेसरी इतना नीचे प्राइस जा रही है कहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बाइंग है कहाँ पे इंस्टीट्यूशन की सेलिंग है ये हम आइडेंटिफाई कर सके और उस टेक्निकल में भी हमने ये देखा कि हम बात करेंगे कैंडल स्टिक पे ताकि हमें एक प्रॉपर एंट्री स्टॉप लॉस का मार्क का पता लग सके क्योंकि जो बार चार्ट लाइन चार्ट होते हैं ना इन पे उतना अच्छा एंट्री स्टॉप लॉस का पता नहीं लगता जितना कैंडल स्टिक पे पता लगता फिर हमने ये बात की कि कैंडल बेसिकली दो कलर की होती है एक होती है ग्रीन कैंडल एक होती है रेड कैंडल ये फर्स्ट डे बात करी थी फर्स्ट डे मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी कि आपको ट्वेंटी डेज बहुत ज्यादा सीरियसली देने ये 20 डेज आपकी लाइफ के सच में गेम चेंजर होंगे अगर आपने सीरियसली दे दिया तो मैंने ये भी आपसे प्रॉमिस किया कि अगर आप इन 20 डेज को सीरियसली देते तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा ट्रेडर बन जाएंगे और सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे बस जो रूल मैं बताऊं ना उनको कभी भी बाईपास करने की कोशिश मत करना वो सब सब प्रूवन चीजें हैं तो उनके साथ में कभी भी खेलने की कोशिश मत करना कुछ एक बातें स्टार्ट करके हमने स्टार्ट की फर्स्ट क्लास जिसमें हमने ट्रेड टाइगर की नॉर्मल सेटिंग वगैरह की ट्रेड टाइगर पे हम इसलिए गए थे क्योंकि ये एक अच्छा चार्टिंग सॉफ्टवेयर था ट्रेडिंग व्यू अल्टरनेट हो सकता था सीधा आते हैं कैंडल स्टिक पे हमारी जो स्टार्ट हुई थी वो यहां से हुई थी कोई भी पर्सन गलती से भी इन पीपीटी के रिकॉर्डिंग देख के स्क्रीन लेके उनको एज इट इज अपने नोट्स में पेस्ट करने की ना सोचे मुझे तुरंत पता लग जाता है जो आप नोट्स मुझे भेजेंगे कि कहाँ से क्या क्या गया और ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है मेरे सामने ये पिक्चर है तो सेम टू सेम कॉपी पेस्ट भी नहीं कर रहा तो मैं बना तो सकता हूँ ना इसको देख देख के इसको देख देख के बनाने से सिर्फ और सिर्फ मुझे खुश कर सकते हैं आप लोग और वो भी मुझे पता लग जाएगा कि सिर्फ इनको देख के ही बनाए क्योंकि तो इनकी जो लैंग्वेज कहीं ना कहीं आप कॉपी करे बिना नहीं रहेंगे और एक जो क्लासेस देख के बनाते हैं ना उसमें लैंग्वेज आपकी खुद की होती है जो क्लासेस देख के हम नोट्स बनाते हैं वो लैंग्वेज आपकी खुद की होती है वो भी मुझे कंप्लीटली पता लग जाती है तो मैं तो देखिए आपको नोट्स के की जज करूंगा कि आपने कितना हार्डवर्क किया ये एज एज इट इट इज इज पेस्ट कर दिया या फिर उतार कॉपी पेन में कैंडल पेन से बना के तो भी मुझे पता लग जाएगा और आपका हार्डवर्क मैं तो इसी हिसाब से जज करने वाला हूँ कि आपने रिकॉर्डिंग देख के नोट्स बनाए या फिर सिर्फ और सिर्फ ये एक क्लास देख के नोट्स बनाए तो इसके स्क्रीन ना लें अदरवाइज में इस पीपीटी को भी ओपन नहीं करता एनीवेज बैक टू द टॉपिक एक एक है है रेड कैंडल कैंडल ग्रीन केंडल. हमें पता है कि ग्रीन कैंडल तब बनती है है जब प्राइस आज ओपन हुई है, उससे ऊपर जाके कहीं क्लोज हो और हम ये कह सके कि एक बाइंग प्रेशर आया है तो ग्रीन कैंडल बनती है रेड कैंडल तब बनती है जब प्राइस ओपन हो और वहां से एक सेलिंग प्रेशर आए मतलब ओपनिंग प्राइस से डाउन जाके क्लोज हो तब जाके बनती है रेड कैंडल ये हुई ग्रीन रेड कैंडल की बात हर एक कैंडल में दो पार्ट होते हैं एक होता बॉडी पार्ट एक होता विक पार्ट जो कंप्लीटली फिल पार्ट होता है वो होता है बॉडी पार्ट और ऊपर की साइड में जो दो एरिया बच जाते हैं इन्हें बोलते हैं विक जैसे इसको बोल दिया अपर वीक, इसको बोल दिया लोअर और ये है बॉडी पार्ट, पार्ट डिसाइड करता ओपनिंग एंड क्लोजिंग अपर वीक एंड लोअर वीक डिसाइड करती है हाई एंड लो हाई एंड लो ग्रीन हो चाहे रेड हो यही रहेगा जो इसका अपर वीक है वो होगा हाई और लोअर वीक है वो होगा इसका लो लेकिन बॉडी पार्ट डिसाइड करेगा कि वो कैंडल ग्रीन है या रेड है अगर ओपनिंग प्राइस डाउन है और क्लोजिंग प्राइस अप है तो ग्रीन कैंडल ओपनिंग प्राइस अप है और क्लोजिंग प्राइस डाउन है तो रेड कैंडल कहने का मतलब ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस डाउन होगी लोअर बॉडी क्लोजिंग प्राइस अपर बॉडी रेड कैंडल में ऑपोजिट होता है ओपनिंग प्राइस जो होती है अपर बॉडी पे होती है और क्लोजिंग प्राइस लोअर बॉडी पे होती है हाई और लो दोनों में सेम रहेंगे ये बात थी ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल की इन ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल के अंदर में हमने ये भी समझा कि एक होती है एक्साइटिंग एक्साइटिंग कैंडल कैंडल का ये होता है कि इसमें आप ये देखें कि इस पूरी कैंडल में बॉडी पार्ट ज्यादा या विक पार्ट ज्यादा बिल्कुल आसान भाषा में तो ये डेफिनेशन है प्रॉपर डेफिनेशन ये होती है कि टोटल रेंज हाई और लो से लेके जो टोटल रेंज है क्या बॉडी पार्ट उस टोटल रेंज के 50 परसेंट पार्ट से ज्यादा है अगर है तो एक्साइटिंग कैंडल नहीं तो फिर वो बेस कैंडल और दूसरा मैंने बताया आसान भाषा में ये कि इसको देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि ये अपर विक का डिस्टेंस इतना है, विक का डिस्टेंस इतना इतना है लोअर विक का है इन दोनों को भी कंबाइन करें तो बॉडी पार्ट से ज्यादा नहीं होगा मतलब बॉडी पार्ट ज्यादा है तो ये है हमारी एक्साइटिंग कैंडल और ये सेम फॉर्मेशन रेड के लिए होता है बस कलर डिसाइड कर देगा कि रेड एक्साइटिंग है या ग्रीन एक्साइटिंग है इन कैंडल के बाद में हमें एक ये भी चीज पता थी कि अगर यही कैंडल ओपनिंग और क्लोजिंग में कुछ ज्यादा ही डिफरेंस हो

जहां पे हम ये कहते हैं कि बायर और सेलर जो है ना वो दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस चल रहे हैं मतलब ना तो प्राइस को ऊपर लेके जा पा रहे हैं ना नीचे लेके जा पा रहे हैं मतलब उन दोनों में एक फाइट चल रही है नंबर ऑफ बायर जो है ना वो ऑलमोस्ट इक्वल है नंबर ऑफ सेलर के ऐसा हम मान के चलते हैं कि बेस कैंडल के अंदर में होता है जैसे यहाँ पे देखिए बायर और सेलर दोनों ऑलमोस्ट बैलेंस ही चल रहे हैं कभी एटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड कभी एटी थाउजेंड सेवेंटी टू थाउजेंड कभी सिक्सटी थाउजेंड एटी थाउजेंड मतलब ऊपर नीचे चल रहे हैं उसी की वजह से ओपनिंग और क्लोजिंग प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है और ओपनिंग एंड क्लोजिंग प्राइस में कोई डिफरेंस नहीं है तो मतलब कोई भी इम्बेलेंस वहां पर क्रिएट ही नहीं हुआ लेकिन इनसे पहले वाली कैंडल में आप देखेंगे एक अच्छा खासा डिफरेंस है और ये डिफरेंस तभी होगा जब बाइंग और सेलिंग के अंदर में कुछ ना कुछ इम्बेलेंस क्रिएट हो अदरवाइज प्राइस आप या डाउन जाएगी नहीं पॉसिबल ही नहीं है अगर डिमांड बढ़ेगी बाइंग ऑर्डर ज्यादा आएंगे बहुत बड़ा ऑर्डर लगेगा तो ही प्राइस ऊपर जाएगी क्योंकि वहां पे कुछ एक ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं अगर पेंडिंग नहीं रहे डिमांड जितनी आई सप्लाई उतनी मिल गई तो प्राइस वहीं रहेगी कोई रीजन ही नहीं है प्राइस के पास में अप एंड डाउन जाने का डे वन से बस हमने इसी चीज पे काम किया कि प्राइस जो है आप सिर्फ और सिर्फ तभी जाएगी जब वहां पे पेंडिंग ऑर्डर रह जाएंगे अदरवाइज कोई रीजन ही नहीं है प्राइस के पास में अप जाने का सिंपल सी बात है अब उसके अंदर में हम ये कहें कि कि हमें बस वो पेंडिंग एरिया पता लग जाए कि ऐसा कौन कौन से एरिया है कि जहां पे वो पेंडिंग ऑर्डर ताकि उन पेंडिंग ऑर्डर के साथ में हम भी उस रैली को अब इंजॉय कर सके रैली हो या डाउन फॉर डिपेंडिंग ऑन द डिमांड या फिर सप्लाई कि उन पेंडिंग ऑर्डर के साथ में हम भी पार्टिसिपेट कर सके तो मतलब हमने यहां से एक स्टार्ट किया कि चलो इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट फॉलो करना स्टार्ट करते हैं

ये सेकंड क्लास में हम पढ़ रहे थे ये सब चीजें इसको हमने कुछ एक एग्जाम्पल भी सीखे डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर में लेके कुछ मैंने रियल स्टेट पे भी एग्जाम्पल दिए एस को भी लेके मैंने एग्जाम्पल दिए कैसे डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है और कैसे हम ट्रैप हो जाते हैं कैसे टीवी वाले कैसे हमें न्यूज चैनल वाले हमें ट्रैप कर लेते हैं कैसे हम उनकी बातों में आ जाते हैं तो सेकेंड डे से ही हमारे पास में कंक्लूजन बन गया था कि आज से हमें उनकी बातों में नहीं आना हम एक डेटा पे काम करेंगे कोई भी एजम्शन पे काम नहीं करेंगे कि ऐसा होने वाला ऐसा होने वाला सेकंड क्लास से हमने ये डिसाइड कर लिया था कि हमें सच में कोई सेंस नहीं है अननेसेसरी किसी भी न्यू चैनल को फॉलो करने का हमें बस एक डेटा पे काम करना कि वो डेटा हमें बेसिकली क्या सजेस्ट कर रहा सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर में हमें काम करना सेकेंड डे हमने ये भी पढ़ा कि जोन की स्ट्रेंथ अगर कोई भी नॉर्मल ग्रीन कैंडल रेड कैंडल प्राइस को डाउन लेके आ रही है तो ये कहीं ना कहीं एक ये स...

अगर जितनी डिमांड आई उतनी सप्लाई मिल जाती तो फिर प्राइस अगेन एक बेस कैंडल बन जाती ये बेस कैंडल तब तक बनती रहती है जब तक की डिमांड सप्लाई बैलेंस है जैसे इम्बेलेंस होगी तो प्राइस अप या डाउन जाएगी उससे पहले नहीं जाएगी हमने ये भी देखा कि नॉर्मल बाइंग स्ट्रॉन्ग बाइंग वेरी स्ट्रोंग बाइंग ये डिपेंड करेगा कि हमारी जो ग्रीन कैंडल है वो कितनी बड़ी है और कितनी ग्रीन कैंडल है हमारे पास में सेम होता है हमारे पास में सप्लाई जोन में मतलब यहां तक डिमांड और सप्लाई दोनों की फॉर्मेशन सेम है ये हम बात कर रहे थे सेकंड क्लास के अंदर में थर्ड क्लास के अंदर में हम गए ये दोनों अलग अलग स्लाइड पे हैं तो मैं आपको वही पिक्चर ओपन करके बताता हूं जो हम डिस्कस कर रहे थे जस्ट अ मिनट ओके हमने यहां से स्टार्ट किया जिस दिन हम जोन की मार्किंग करने वाले थे बट जोन की मार्किंग करने से पहले हमने सोचा कि कुछ एक पैटर्न पढ़ लेते हैं कि ये पैटर्न बेसिकली काम कैसे करते हैं देखिए एक अभी अभी जो हमने देखा हो सकता है कि प्राइस जो है डाउन जाए बेस कैंडल बने बायर सेलर की फाइट चले और इसके बाद में अगर एक ग्रीन कैंडल बनी है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को ये प्रूव कर रही है कि यहाँ पे बायर जो है वो विन विन सिचुएशन में है तो जब भी कभी भी ऐसी पिक्चर हो तो यहां पे बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर होंगे तो मतलब एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है, है कि जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो कि पहले प्राइस डाउन जाए ऐसा भी तो हो सकता है पहले से प्राइस जाए बायर बायर ऑलरेडी विन विन सिचुएशन में थे अब एक बायर और और सेलर की फाइट चले उसके बाद में अगेन प्राइस अपी जाए मतलब जो बायर विन विन सिचुएशन में थे फाइट के बाद में भी वो विन विन सिचुएशन में रहे तो डिमांड जोन के इन दोनों में से कोई भी पैटर्न बन सकता है जरूरी नहीं कि एक ही पैटर्न बने बट हाँ एक चीज कॉमन रहेगी कि बेस कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बनेगी बने बने बने, तो 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 रही है अप जाने के बाद में अगर बेस कैंडल बनती है तो मतलब यहाँ पे जो बायर विन विन सिचुएशन में थे ना आपको सेलर आए और एक फाइट इनिशिएट हो गई है फाइट के बाद में प्राइस डाउन आती है तो मतलब सेलर ने चार्ज अपने कंट्रोल में लिया प्राइस को डाउन लेके आए वो बायर से ज़्यादा है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे बट यही नहीं सप्लाई जरूरी नहीं कि प्राइस, पहले जाए। हो सकता प्राइस डाउन ही आ रही हो कुछ बायर आए बायर सेलर में एक फाइट हुई अगेन सेलर डाउन ही लेके आए मतलब जो सेलर पहले भी स्ट्रॉन्ग थे वो आज भी स्ट्रॉन्ग है तो डिमांड और सप्लाई दोनों की बेसिकली दो दो स्ट्रक्चर होती है हमारे पास में और इन स्ट्रक्चर की मैं बात करूं इनके अंदर में कोई भी डिमांड और जोन और सप्लाई जोन इनको कंप्लीट करने के लिए हमें बेसिकली क्या है तीन कंपोनेंट्स कंपोनेट लेग इन बेस एंड लेग आउट जो बेस कैंडल है इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली कैंडल होगी लेग इन कैंडल और बेस कैंडल के राइट हैंड साइड वाली कैंडल होगी लेग आउट कैंडल ये सभी के अंदर में कॉमन रहेगा चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो हाँ अगर ड्रॉप है रेड कैंडल है उसको हम ड्रॉप रीड कर लेते हैं और ग्रीन कैंडल है उसको हम रैली really रीड कर लेते हैं और बेस कैंडल को हम बेस ही रीड करेंगे तो उसके पे ये सारी चीजें अपने आप रैली हो जाएगी रैली तो रीड करेंगे ड्रॉप है है तो रेड कैंडल तो ड्रॉप करेंगे तो हमने कुछ एक ऐसे पैटर्न भी बना लिए जैसे कि यहां पे ड्रॉप बेस रैली बन गया यहाँ पे रैली बेस रैली बन गया यहाँ पे रैली बेस ड्रॉप बन गया और यहाँ पे ड्रॉप बेस ड्रॉप बन गया ये हमने कुछ एक नाम दे दिए जिनके शॉर्टकट भी आगे लिखे हुए हैं इनको आइडेंटिफाई करने का एक मैंने तरीका बताया वो तरीका ये था कि यहाँ पे जो

वो है रिवर्सल पैटर्न क्योंकि उनमें प्राइस रिवर्स हो रही है जो जो डाउन डाउन जा 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 रही 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 थी थी वो वो रुक रुक के के अप अप है 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 आ मतलब प्राइस रिवर्सल ले रही है। और डिमांड जोन का सेकंड पैटर्न और सप्लाई जोन का जो सेकंड पैटर्न है इसे हम बोलते हैं कंटिन्यूस पैटर्न क्योंकि इनमें पहले भी बायर स्ट्रॉन्ग थे फाइट के बाद में भी बायर स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे पहले भी सेलर स्ट्रॉन्ग थे और फाइट के बाद में भी सेलर स्ट्रॉन्ग थे मतलब जो फ्लो था ना वो कंटिन्यू है उसमें चेंजेस नहीं हुए हमने ये भी देखा कि रिवर्सल पावरफुल है या फिर कंटिन्यूस पावरफुल है तो हमने ये कहा कि ट्रेडिंग अगेंस्ट द सॉरी ट्रेडिंग अगेंस्ट द ट्रेंड आगे की बात है मतलब हमने यहां पे ये कहा कि इन्होंने क्या किया प्राइस को कंप्लीटली चेंज कर दिया जो प्राइस डाउन जा रही थी मतलब सेलर बहुत स्ट्रांग थे और वहां पे कुछ बायर आए और वो कंप्लीटली डायरेक्शन चेंज कर दे तो बायर ने सच में पोटेंशियल वाला काम किया यहाँ पे ऐसा कोई पोटेंशियल वाला काम नहीं है सेलर स्ट्रॉन्ग थे कुछ सॉरी थे कुछ सेलर आए लेकिन वो प्राइस को डाउन नहीं ला पाए अगेन भी प्राइस अप तो पहले भी बायर स्ट्रॉन्ट्रॉन्ग तो कोई इतना बड़ा पोटेंशियल वाला काम नहीं हुआ लेकिन यहाँ पे हुआ उसी वजह से हम ये कह रहे थे कि रिवर्सल ज्यादा पावरफुल होते एज टू द बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंटिन्यूस पैटर्न को प्रायोरिटी ना दें वो डिपेंड करेगा चार्ट स्ट्रक्चर पे उस दिन हमें शायद कंफ्यूजन हो बट इतनी सारी क्लासेस होने के बाद में ये कंफ्यूजन भी क्लियर हो गया इनके बाद में हम आए मार्किंग के ऊपर में कि जोन को बेसिकली मार्क कैसे करते हैं तो जोन को मार्किंग करने के लिए हमें बेसिकली क्या होता है करंट मार्केट प्राइस पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी होती है जैसे कि अगर मैं कुछ भी बात करूं ये रही हमारी करंट मार्केट प्राइस हमें पता है जो क्लोजिंग प्राइस है वही करंट मार्केट प्राइस और करंट मार्केट प्राइस को कंसिडर करते हुए हम जोन को मार्क करते हैं डिमांड जोन हमेशा करंट मार्केट प्राइस के डाउन साइड में होता है सप्लाई जोन हमेशा करंट मार्केट प्राइस के अपसाइड में होता है फर्स्ट स्टेप दोनों में कॉमन होती है एक होरिजोटल लाइन मार्क करनी होती है करंट मार्केट प्राइस पे डिमांड जोन पे हम लुक लेफ्ट एंड डाउन देखते हैं और उस पॉइंट तक देखते हैं जहां पे हमें एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ना मिल जाए प्रैक्टिस पे हमने कुछ एक चीजें ऐसे भी कंसिडर की कि नॉर्मल भी जोन है नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल भी है जो एक सिर्फ नाम की है तो भी आप मार्क कर लें लेकिन आगे चल के हमें एक अच्छी कैंडल चाहिएगी अगर अच्छी कैंडल की अगर आज मैं बात करूं तो इस वाली कैंडल को आज शायद मैं अच्छी कैंडल ना मानू उस दिन शायद हम इस जोन को भी मार्क कर रहे थे कि अगर ये फिफ्टी टू परसेंट फिफ्टी थ्री परसेंट है तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ये हमारे पास में एक्साइटिंग कैंडल हो गई है बट हमें प्रैक्टिकली पता था कि इसने कुछ कोई खास अचीव ही नहीं किया ऑलमोस्ट बेस कैंडल की रेंज में तो ऐसे जोन को हम मार्क नहीं करते हैं फिर हमने ये देखा कि कुछ अच्छा मार्क करें अच्छा मार्क करने के लिए हम लुक लेफ्ट एंड डाउन जाते हैं और जहां तक चेक कर चुके हैं वहां पे एक रेफरेंस के लिए लाइन ड्रॉ कर देते हैं और इस लाइन के पैरेलली लेफ्ट साइड में जाते हैं इसके साथ साथ में जाने पे हमें पता लगा कि ये है अनदर ग्रीन कैंडल हम कभी भी इस लाइन के ऊपर नहीं जाएंगे कि ये भी जोन हो सकता है क्या नहीं हम इस लाइन के डाउन साइड में ही जाते हैं पैरल ये देखते हैं कि नेक्स्ट प्राइस एक्शन सेक्शन से स्टार्ट हो रहा है वो हो रहा है यहाँ से अगर ये ग्रीन एक्सप्लोजिव कैंडल है तो हमें थ्री एलिमेंट चाहिए होते हैं कोई भी जोन के लिए लेग इन बेस एंड लेगआउट बेस कैंडल कितनी भी हो सकते हैं लेग इन कैंडल कितनी भी हो सकते हैं लेग आउट कैंडल कितनी भी हो सकती है बट मिनिमम हमें बेस एंड चाहिए यहाँ पे अगर ओल थ्री एलिमेंट है तो मार्किंग ऑलवेज बेस कैंडल पे होती है मार्किंग करने के लिए दो लाइने चाहिए एक होती है प्रोक्सीमल लाइन एक होती है डिस्टल लाइन अब सब लोगों को पता है प्रोक्सीमल लाइन का फॉर्मूला होता है हाइएस्ट बॉडी और डिस्टल लाइन का फॉर्मूला होता है लोवेस्ट विक ये हो गया हमारा डिमांड जोन इस वाले डिमांड जोन को मार्क करने के बाद में हम ये भी देखते हैं क्या ये डिमांड जोन फ्रेश है या नहीं है फ्रेशनेस चेक करने का सिंपल सा लॉजिक है कि लेगाउट कैंडल के बाद में ये देख लें फर्स्ट कैंडल के बाद में कि प्रोक्सीमल लाइन को कभी किसी कैंडल ने टच नहीं कर दिया हो टच करना कोई इश्यू नहीं है टच कर सकते है क्योंकि जब भी एंट्री मिलेगी तो इसको टच करेगी करेगी, बट टच करके अगर ऊपर चली गई है तो मतलब ऑर्डर पिकअप हो चुके हैं अब हमें उसे कंसिडर नहीं करना चाहिए ये चीज हमें ध्यान में रखनी है बट यहां पे आप देखेंगे टच भी नहीं किया है और ऊपर भी नहीं गई है तो ये लेवल फ्रेश है तो इसको हम वैलिड लेवल मान सकते हैं अब अगर हम बात करें कि सप्लाई जोन की सप्लाई जोन कैसे मार्क करते हैं वो हमेशा करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है डिमांड जोन नीचे इसलिए होता है क्योंकि हमें लोअर प्राइस पे करना सप्लाई जोन इसलिए ऊपर होता है क्योंकि हम सप्लाई जोन पे सेल करते हैं और हम हमेशा हायर प्राइस पे सेल करना पसंद करेंगे न कि लोअर प्राइस पे अगर सप्लाई जोन की बात करो तो अगेन रेड कैंडल मार्क करेंगे सबसे पहले देखेंगे कहा है ड्रॉप हमें यहाँ पे एक ड्रॉप मिल रहा है लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि बेस कैंडल मिसिंग है क्योंकि कंपोनेंट तो वही चाहिए लेकिन बेस एंड लेगआउट जिस दिन मार्किंग कर रहे थे हमें क्लियर नीट एंड क्लीन एक स्ट्रक्चर चाहिए थी आज शायद आप सब लोग समझ सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है इस ग्रीन और रेड कैंडल के बीच में भी कुछ ना कुछ हो बस यस हो सकता है लेकिन वो हो सकता है वो किसी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे आपको मिले ना कि इसी टाइम फ्रेम पे वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम पे देख लेंगे लेकिन अगर करंट टाइम फ्रेम पे हम मार्किंग कर रहे हैं तो हमारी मार्किंग कुछ यहाँ जाके होगी हम जिसमें ये कहेंगे कि ये है रैली ये है बेस ये है ड्रॉप ये है ड्रॉप तो यहां पे चाहे मल्टीपल लेग इन मल्टीपल आउट हो हमें तो मिनिमम वन चाहिए सप्लाई जोन के लिए प्रोक्सीमल लाइन होती है लोवेस्ट बॉडी डिस्टल लाइन होती है हाइएस्ट वीक ये हो गया हमारा जोन मार्क अगेन हम चेक करेंगे फ्रेश है या नहीं कैंडल के बाद में देखें तो प्रोक्सीम लाइन को कभी भी प्राइस ने टच नहीं किया है तो ये लेवल हमारा फ्रेश है तो इस तरह से होती है डिमांड जोन और सप्लाई जोन की मार्किंग इन मार्किंग में हमने ये ध्यान में देते हैं कि बेसिकली एक अच्छा जोन इन क्लासेस तक हमने जो सीखा वो यही सीखा कि एक अच्छे जोन की डेफिनेशन तो वही है जिसमें लेग आउट कैंडल ज्यादा से ज्यादा हो बेस कैंडल वाला कॉन्सेप्ट हमने आगे चल के सीखा बट अभी रिविजन कर रहे हैं तो आपको बता दू की जितनी कम से कम बेस कैंडल होती है ना वो जोन उतना ही अच्छा होता है वो हमने प्रैक्टिकली समझा कि अगर दो प्लेयर आपस में फाइट कर रहे हैं और वो कंटिन्यूसली फोर आवर्स तक फाइट चल रही है और फिर भी कोई रिजल्ट रिजल्ट ना निकले फोर आर तक भी या फिर फोर आर के बाद में रिजल्ट निकला तो दोनों प्लेयर पावरफुल थे अब अगर कोई रिजल्ट निकल भी गया ना तो कोई जरूरी नहीं कि अगली बार भी वही प्लेयर जीते बट अगर रिजल्ट इमीडिएटली निकला है तो इसका मतलब प्लेयर सच में कोई ना कोई एक प्लेयर पावरफुल था रिजल्ट अगर इमीडिएटली निकला तो इसलिए हम बेस कैंडल वाले जोन को ऐसा मानते हैं कि अगर कम बेस कैंडल है तो वो जोन अच्छा है ज्यादा बेस कैंडल है तो वो जोन इतना अच्छा नहीं है बट हाँ हमें लेगआउट कैंडल ज्यादा से ज्यादा चाहिए चाहिए और एकस्प्लोजिव एकस्प्लोजिव तभी हम कह सकते हैं कि वो बाइंग उतनी ही ज्यादा स्ट्रोंग थी ये हमारे एक बेस्ट जोन की डेफिनेशन थी इन क्लासेस तक जो हमने सीखी धीरे धीरे हम आगे चलते गए और इस डेफिनेशन को हमने और भी स्ट्रॉन्ग बनाया आने वाली क्लासेस के अंदर में कि एक और क्या अच्छी डेफिनेशन हो सकती है बेस्ट जोन की एनीवेज ये थी मार्किंग डिमांड जोन एंड सप्लाई जोन डिमांड जोन की सप्लाई जोन की मार्किंग के साथ-साथ में हम ये भी देख रहे थे कि एक एक्सेप्शनल मार्किंग भी होती है तो उसी दिन हम ये भी सीख रहे थे एक्सेप्शनल मार्किंग बेसिकली कैसे करते हैं बट उससे पहले बात आई एंट्री अंडर स्टॉप लॉस की अगर मैं आपको ये कहूं कि इस वाले जोन में अगर हमें एंट्री रखनी है तो प्रॉक्सिमल लेंथ से हल्की सी ऊपर हल्की सी ऊपर इसलिए रखते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि एक साथ में पेंडिंग ऑर्डर का बंस ट्रिगर हो और हमारी एंट्री मिस हो जाए तो हम चाह रहे थे कुछ पैसे ऊपर रखें ताकि हमारी एंट्री फुली एग्जीक्यूट होने की चांसेस हो इस डर की वजह से ऐसा भी नहीं कि हम बहुत ऊपर लेके चले जाए फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनेगा लॉस हम हमेशा डाउन रखते हैं वाइड रखते हैं थोड़े से डिस्टेंस के साथ में रखते हैं क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पे बस को यू टर्न लेने में टाइम लगे इसके अंदर में मैंने एक बस का और एक डिवाइडर का एग्जाम्पल आपको बताया था कि अगर बस स्पीड से है तो यू टर्न लेने में टाइम लग सकता है

ये होता है टारगेट की डेफिनेशन आगे चल के हमने ये भी पढ़ा वो मिलना भी चाहिए इसकी सही डेफिनेशन ये थी कि आगे चल के हम किसी इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे इस टारगेट को रखेंगे वो अभी हम मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस पे डिस्कस कर लेंगे बट अभी आप मान के चलिए टू स्टोव का आपको टारगेट इसके अंदर में रखना है एक्सेप्शनल मार्किंग में हमने ये पढ़ा कि अगर हमारी लेग इन या लेगआउट में से किसी की भी विक इन बेस कैंडल से डाउन है तो हम उसे भी कंसिडर करेंगे लेट मी ओपन एक्सेप्शन मार्किंग ताकि आपको समझ में आ जाए कुछ इस टाइप से कि अगर हमारी नॉर्मल मार्किंग यह है और लेग इन कैंडल की वीक अगर डाउन है बेस कैंडल से तो हमारी डिजिटल लाइन यहां होगी जो भी चेंजेस होंगे वो सिर्फ और सिर्फ डिस्टल लाइन पे होंगे प्रोक्सीमल लाइन पे कोई भी चेंजेस नहीं होंगे ऐसा हम इसलिए करते हैं कि भले ही बायर और सेलर की फाइट सिर्फ और सिर्फ यहां तक हुई हो लेकिन हमें ये चीज भी पता है कि उसका ओरिजिन यहीं से स्टार्ट हो गया था वो फाइट यहीं से स्टार्ट हो गई थी तभी तो ये रेड कैंडल ऐसी ना बन के कुछ टाइप से बनी एक रिकवरी आई इसमें तो बाइंग तो यहीं से इनिशिएट हो गई थी इसको हमने एक वॉल के एग्जाम्पल से भी समझा हो सकता है कि इन ऑर्डर की हमें कभी भी जरूरत ना पड़े कभी भी ना पड़े बट स्टिल कभी भी अननेसेसरी का सेलिंग प्रेशर है तो हो सकता है कि हमें इस प्लेयर की जरूरत पड़े प्रैक्टिकली हमने समझा कि ये सबसे स्ट्रांगेस्ट प्लेयर है हमारी टीम का सबसे स्ट्रांगेस्ट प्लेयर तो जब भी सेलिंग प्रेशर ज्यादा होगा तो इसकी जरूरत पड़ने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे तो हमें हमेशा इसको कंसिडर करना ही करना है पहले आपका स्टॉप लॉस इसके अकॉर्डिंगली था तो आज आपका स्टॉप लॉस इस डिजिटल के अकॉर्डिंगली और भी नीचे होगा एक्सेप्शनल मार्किंग की मैं बात करूं तो वो एक्सेप्शनल मार्किंग किस किस टाइप से हो सकती है उसको एक बार समझते हैं जैसे कि लेग इन वाला रूल आपको बता दिया हो सकता है कि लेगआउट कैंडल में भी एक्सेप्शनल हो क्योंकि जरूरी नहीं है कि फाइट यहीं तक ही रही अगर अगेन प्राइस गैप डाउन ओपन होके अगर डाउन जाते यहाँ तक की तो एक बार के लिए वो रेड कैंडल है और फिर रिकवर होती है ग्रीन कैंडल तो मतलब इस ओरिजन से कुछ ना कुछ बहुत बड़ी बाइंग आई है तो एक्चुअल में बाइंग का ओरिजन तो यही है तो आपको इसको भी कंसिडर करना चाहिए अगेन स्टॉप लॉस इस वाले डिजिटल के अकॉर्डिंगली होगा जो रूल डिमांड जोन में है वही सेम रूल सप्लाई जोन के अंदर में है यहां पे इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होंगे अगर लेग इन कैंडल बेस कैंडल से ऊपर है तो हमें पता है कि सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर यहां तक था और जो आप सेलिंग प्रेशर यहां से देख रहे हैं ना वो इनिशियट यहीं से हो चुका है तो डिजिटल आपकी यहाँ आएगी अगर इसकी मैं बात करूं कि लेग आउट कैंडल ऊपर जाके अगर डाउन आ रही है तो ऐसा नहीं कि बायर और सेलर की फाइट सिर्फ यहां तक ही लिमिटेड थी अगर ऐसा होता तो फिर प्राइस गैप अप ओपन होके और भी ऊपर क्यों गई एक बार के लिए और भी ग्रीन कैंडल बन रही है और फिर प्राइस डाउन आ रही है है तो मतलब ये कि ओरिजिन सेलिंग का यहीं पे है, हमें इसे कंसिडर करना चाहिए और क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं वो मैं आपको बता दूं कि ये तो रह गया हमारा रिवर्सल पैटर्न जिसमें लेग इन और लेग आउट दोनों को हम कंसिडर कर रहे हैं एक पैटर्न और बच गया डिमांड जोन का सेकंड और सप्लाई जोन का सेकंड कंटिन्यूस पैटर्न उस कंटिन्यूस पैटर्न के अंदर में सिर्फ और सिर्फ लेग आउट के साथ में ही एक्सेप्शनल होगा

तो हमने एक्सेप्शनल मार्किंग को उसी दिन प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर दिया कि एक्सेप्शनल मार्किंग को भी आपको कंसिडर करना है जोन में बट हम कभी भी ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ एक्सेप्शनल वाले जोन ही ढूंढे नहीं जोन कैसा भी मिले नॉर्मल मिले एक्सेप्शन मिले ऐसा नहीं कि ये स्ट्रोंग है ये वीक है दोनों ही स्ट्रॉन्ग है उस बिहार पे कभी भी जजमेंट नहीं होगा कि एक्सेप्शनल है या फिर नॉर्मल है हमें तो ये ध्यान में रखना कि अगर कोई भी जोन के अंदर में अगर ऐसा कुछ है तो बस उसकी मार्किंग कुछ इस टाइप से ना होके कुछ इस टाइप से हो जाएगी तो बस इसलिए एक्सेप्शन मार्किंग की हमें नीड पड़ी ताकि एंट्री और स्टॉपलॉस बिल्कुल सही जगह पे हम रख सकें हमने पढ़ा बेसिकली डे फोर के दिन डे फाइव के दिन हमने क्या किया कुछ एक साइकोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट पढ़े हमने सबसे पहले तो हमने क्या किया साइकोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट पढ़ने के लिए हमने एक पिक्चर ओपन करी जिसमें मैंने आपको कैंडल स्टिक ब्रेक डाउन करके बताया कि डेली वीकली और मंथली इन सब के अंदर में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा जैसे ये है डेली ये है वीकली ये है मंथली तो मैंने आपको ये कहा कि मंथली की जो कैंडल है ना वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है एज कम्पेयर टू द वीकली एंड डेली मतलब सबसे स्ट्रांग ये है फिर ये है और फिर ये है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट ट्वेंटी या ट्वेंटी टू डेज की बाइंग है डिपेंड करता है कितने वर्किंग डेज है इसमें फाइव डेज की बाइंग है इसमें सिर्फ वन डेज की बाइंग है अगर वन मंथ तक ग्रीन कैंडल बनती है कुछ इस टाइप से तो मतलब पूरे मंथ मेजोरिटी में रखा जो कि एक बहुत बड़ी बात है अगर वीकली कैंडल ऐसी बनती है तो पूरे वीक बायर ने चार्ज अपने कंट्रोल में रखा लेकिन एक डेली एक डेली कैंडल में सिर्फ दिन के लिए तो जितना छोटा टाइम फ्रेम होगा उतनी ही वीक होगा जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा चाहे डिमांड हो चाहे सप्लाई हो कैंडल स्टिक ब्रेक डाउन करके हमने ये भी समझा कि चाहे मंथली की कैंडल यहाँ छोड़िए इतनी छोड़िए अगर वो इससे भी कम है ना कुछ इस टाइप से भी इतनी सी तो भी वो हो सकता है कि इस वीकली और डेली से बड़ी हो वो हमने एक होरिजोनटल लाइन ड्रॉ करके देखा कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ना हो सकता है कि वो इससे भी बड़ा हो हमारे पास में तो मंथली की नॉर्मल कैंडल भी अपने आप में बहुत पावरफुल होती है और मंथली की जोन की क्या पावरफुल थी क्या पावर थी वो पीएनबी निफ्टी एक्सिस बैंक भारत फोर्स इनके एग्जाम्पल से हमने देखा कि एक मंथली का जोन कितना पावरफुल होता है निफ्टी जब जब मंथली के डिमांड जोन में आई नाइनटी प्लस केसेस के अंदर में वो सारे डिमांड जोन चले हैं। 90% केसेस के अंदर में वो सारे के सारे डिमांड जोन चले जब जब भी निफ्टी मंथली के डिमांड जोन में आई तो ये पावर होती है मंथली के डिमांड जोन की मंथली से भी बड़े कौन-कौन से हो सकते हैं क्वार्टरली हाफ ईयरली ईयरली क्योंकि उनमें उतने ही ज्यादा दिन का डाटा और ऐड होता जाएगा इसके बाद में हमने कुछ एक ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड चीजें सीखी कि बेसिकली जो रिजल्ट है बेसिकली कोई कंपनी के अंदर में कोई न्यूज है कि कोई प्रोडक्ट बंद हो गया नेस्ले का मैगी बंद हो गया किसी बैंक पे बीओबी पे रेड पड़ गई सीबीआई की या फिर कोई कंपनी के सीईओ ई इन्फोसिस के सीईओ अगर रिजाइन कर देते हैं तो वो सब चीजें कहीं ना कहीं पहले से प्री प्लैंड है उनका इफेक्ट चार्ट पे ऑलरेडी आ चुका है क्योंकि वो न्यूज हो सकता है कि हमें एक ब्रेकिंग न्यूज मिलके ब्रेकिंग न्यूज सुनने को मिले क्योंकि वो आज ही हमें मिली है बट इंटरनली सब लोगों को वो चीज पता होती है जैसे हमने फ्लैट के सोसाइटी में एक फ्लैट सेल वाला एग्जाम्पल देखा था तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो न्यूज आज हमें मिली है तो उसके अकॉर्डिंगली हम वैसा का वैसा रिएक्ट करें उस न्यूज पे जो रिएक्शन होना था वो चार्ट पे पहले ही हो चुका किसी कंपनी का रिजल्ट खराब आने वाले हैं तो मैनेजमेंट को ये चीजें पता है तो उनके लोग पहले से उस चीज का बेनिफिट उठा चुके हैं तो बेसिकली ऐसा कभी भी हमें नहीं करना कि अच्छे रिजल्ट आए तो फिर बाई तो होती हैं आप डेली बेसिस पे जो भी कंपनी के रिजल्ट आते हैं वो देखते होंगे अच्छे रिजल्ट आने पर भी डाउन चली जाती है और खराब रिजल्ट आने पर भी प्राइस जो है वो बेसिकली अप चली जाती है इन शॉर्ट इस पूरी क्लास से हमने ये कंक्लूजन निकाला कि कभी भी हमें ना तो रिजल्ट ना कोई कंपनी के प्रोडक्ट बंद होने ना कोई कंपनी में किसी पोस्ट पे रिजाइन होने पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए उन सब का बैकअप प्लान है ये सब की सब चीजें पहले से फिक्स हैं और चार्ट उस पर ऑलरेडी ही अपनी एक्शन दिखा चुका है क्योंकि ये डेटा हम किसी इंसान से नहीं ले रहे चार्ट पे ले रहे चार्ट पे तो अगर कोई पांच शेयर भी बाई करेगा तो उसका भी वॉल्यूम ऐड होगा चार्ट के ऊपर में कोई सेलिंग ऐड कर सेलिंग कर रहा तो उसका भी वॉल्यूम उसका भी डेटा ऐड होगा मतलब जो भी चार्ट पे कैंडल बन रही है ना वो हर एक इंडिविजुअल की बाइंग और सेलिंग का उसके अंदर में कॉन्ट्रीब्यूशन है तो वो चार्ट कभी भी झूठ नहीं बोल सकता रिपोर्ट वगैरह सब चीजें झूठ बोल सकती है हमें नहीं पता कि कितने रिलायबल है कितनी नहीं बट चार्ट जो है वो बिल्कुल सही बोलता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बाद में सिक्स क्लास क्योंकि सेकंड क्लास से लेकर सिक्स क्लास सिर्फ और सिर्फ हम, हम हमारी साइकोलॉजी हमारे फाउंडेशन हमारे बेसिक को स्ट्रोंग करने में लगा रहे थे कि फाउंडेशन जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही चीजें आगे के लिए आसान होगी तो सिक्स क्लास तक तो बस हमने इसी चीज पे कंसिडर किया कि हमारी साइकोलॉजी स्ट्रॉ हो जो गलतियां हम कर रहे थे वो ना करें कुछ एक होमवर्क दिए गए कि अननेसेसरी आप ऐप इंस्टॉल कर दें अन इंस्टॉल कर लें जो काम की नहीं है वो सब चीजें एक डिसिप्लिन ट्रेडर एक रूल बेस्ड ट्रेडर की तरह अप्रोच रखें न्यूज वगैरह के चक्कर में ना पड़े और सबसे अच्छा जरूरी ये कि जो कैंडल हमने फर्स्ट डे स्टार्ट की थी उस कैंडल की गहराई में हम जा सकें कि उस कैंडल में क्या क्या चीजें हो सकती हैं तो उसके लिए हमने सिक्स क्लास में कुछ एक और चीजें डिस्कस करी जिसमें हमने माना कि आज हमारे फाउंडेशन का शायद लास्ट डे होगा क्योंकि आगे करता हूं यहां पे ये यह वही चीजें जो हम डिस्कस कर चुके हैं यहां पे हमने सिक्स क्लास स्टार्ट की लॉजिक प्लस प्राइस सेक्शन बिहाइंड कैंडल मतलब फाइव डेज तक हम यही चीज पढ़ रहे थे ये हमारा लास्ट सेशन था इस चीज का कैंडल के को और गहराई तक समझने के लिए आज इन सब की पावर आपको समझ में आ रही होगी कि ये सब चीजें हम क्यों कर रहे थे अभी अभी रिसेंटली अशोक लेलैंड में एग्जाम्पल देखा कि मल्टीपल ऐसी कुछ कैंडल है ना तो हमें पता की ओरिजन वहां ना होके यहाँ पे है ओरिजन तो बेसिकली इतनी ऊपर एंट्री रखने का कोई ज्यादा चांस नहीं है अगर ये कुछ बाइंग सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉग है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है अच्छी क्लोजिंग है ग्रीन एक्सप्लोजिव कैंडल है तो आप अग्रेसिव रखें अदरवाइज ओरिजन यही है सिमिलरली ऐसी थ्री बेस्ट कैंडल बनती है नॉर्मल आपको लग रहा है कि नॉर्मल एक्साइटिंग कैंडल है तो ओरिजिन यही है लग रहा है बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजिव है तो आप अग्रेसिव भी बाइंग रख सकते हैं बट आपको पता है कि अगर ये पिक्चर पूरे डिमांड जोन की है अप्रोक्सिमलट डिजिटल की तो इसके अंदर में भी पेंडिंग ऑर्डर सबसे ज्यादा कहां है वो हम इजिल आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसी के लिए जरूरत होती है ओरिजन की ओरिजन के बाद में हम ये भी पढ़ रहे थे क्लोजिंग कॉन्सेप्ट कि हम तभी किसी भी जोन की स्ट्रेंथ को वैलिडेट कर पाएंगे जब उसकी लेग आउट कैंडल की क्लोजिंग अच्छी हो तो हम ये मान रहे थे कि एटलीस्ट लेगिन के ऊपर में कैंडल क्लोज हो कुछ लोगों को डाउट आया कि सर लेग इन मल्टीपल हो तो क्या करें तो उसके लिए जैसे जैसे हमने एग्जाम्पल समझे हम समझ गए कि बेसिकली एक, एक करेक्शन एक जो मूव है उसके ऊपर में अगर प्राइस क्लोज होते है, तो ही हम क्लोजिंग को कंसिडर करेंगे उस दिन से लेके आज तक जो एग्जाम्पल देखें आई एम श्योर सब लोगों का क्लोजिंग वाला डाउट क्लियर हो गया होगा बट हाँ हमें अगर किसी भी जोन को वैलिडेट करना है, तो क्लोजिंग जरूरी है अगर प्राइस यहीं से डाउन आ गई है ना तो हो सकता है वो किसी ना किसी सप्लाई जोन से आ रही हो अब हमें ऐसे रीड करते हैं कि ये डिमांड जोन जो प्राइस को यहां तक लेके गया ये कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके रुक गई प्राइस तो मतलब बायर कहीं ना कहीं वीक पड़ रहे हैं मे बी इस जोन में इतनी स्ट्रेंथ ना हो बट एक चीज जरूर हुई है कि सेलर ने अपने आप को प्रूव किया अगर प्राइस यहाँ से डाउन आ रही है तो वो सप्लाई जोन काम कर रहा हो सकता है ये डिमांड जोन भी काम कर जाए बट इसको अपने आपको प्रूव करना बाकी है लेकिन सप्लाई जोन ने प्रूव कर दिया तो कहीं ना कहीं एक डाउटफुल सिचुएशन हो गई है लेकिन अगर क्लोजिंग अच्छी हो जाती तो हम ये कहते सप्लाई जोन को ही ब्रीच कर दिया दैट मीन ये डिमांड जोन सच में बहुत पावरफुल है

इस वाले जोन को तब कंसिडर करते हैं क्योंकि हमें पता कि अगर प्राइस में कुछ भी हमें प्रॉब्लम लग रही है सा भी सप्लाई जोन हिट हो चुका है वहां पे तो लोअर लेवल के ऊपर में आप जाए क्योंकि ऑलवेज लोअर लेवल हमेशा अच्छा होगा उसके पीछे रीजन ये है कि वो एक उस पूरे मूव का ओरिजन था प्राइस जब भी उस डिमांड जोन पे आएगी तो ऊपर वाले डिमांड जोन को ब्रीच करने का मतलब ये कि ऊपर वाले डिमांड जोन ने काफी हद तक सेलिंग प्रेशर को भी खत्म किया होगा, प्राइस टायर्ड हो चुकी होगी तो लोअर लेवल के चलने की प्रोबेबिलिटीज़ ऑलवेज ज्यादा ही ज्यादा होंगी जो डिमांड जोन में स्ट्रक्चर है वही सेम सप्लाई जोन के अंदर में स्ट्रक्चर है हमने पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंग प्राइस जरूरी नहीं कि एक बहुत ही एक्सप्लोजिव कैंडल या एक्साइटिंग कैंडल से हमेशा ऊपर जाए प्राइस कभी कभी बेस बेस कैंडल बना के भी ऊपर जा सकती है जब भी कभी भी ऐसा है कि प्राइस सिर्फ और सिर्फ बेस 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 कैंडल बना के ही ऊपर जा रही है प्राइस ऊपर तो गई इन पांच डेली की कैंडल से हो सकता है कि वीकली की कैंडल भी बनी हो वो वीकली पे उसकी इंपोर्टेंस होगी लेकिन डेली पे तो वो सब कुछ कचरा कर दिया उसने गार्बेज कर दिया हो सकता है डेली पे कोई जोन अगर हम मार्क कर भी रहे हैं कुछ इस टाइप से तो उसके अंदर में भी जब प्राइस डाउन आ रही है तो हर जगह पे पेंडिंग ऑर्डर अलग अलग है एक जगह पे ना होकर अलग अलग जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो रखे हैं अगर एक जगह होते तो यूनिटी होती लेकिन अलग अलग जगह पे तो यूनिटी नहीं है इन शॉर्ट ऐसे जोन जो है वो बेसिकली वीक होते हैं। तो सिक्स क्लास तक हमने यहां तक क्लियर करके हमने ये कहा कि ये हमारा फाउंडेशन था इसको जितना ज्यादा हम सीख सकें उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा एनी ये सारे सिनेरियो हम उस दिन से लेके आज तक हर एक के अंदर इंप्लीमेंट करते आ रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई लेग इन कैंडल प्रॉपरली नहीं है तो उस जोन में स्ट्रेंथ नहीं है हमारा जो मेन काम है वो ये है कि एक प्रॉपर अच्छी एक्सप्लोजिव आउट कैंडल हो तो भी वो हमारे लिए जोन है उससे पहले बेस कैंडल भी नहीं है तो हो सकता है स्मोलर टाइम फ्रेम पे बेस कैंडल बन जाए तो हम स्मोलर टाइम फ्रेम पे मार्क कर सकते हैं और अगर बेस कैंडल के बाद में लेग आउट है लेकिन थोड़ी बहुत पुअर लग रही है फिर लेगिन प्रॉपरली बेस कैंडल ना लग के प्रॉपरली एक्साइटिंग कैंडल ना लग के अगर बेस कैंडल लग रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ मार्किंग कर रहे हैं उस जोन की तो ये कुछ चीजें थी कि हमें जब भी हम जोन को मार्क करें तो ऐसा नहीं कि हम हमारे लॉजिक हमारे प्रैक्टिकल चीजों को इम्प्लीमेंट ही ना करें क्योंकि ऐसा नहीं कि आरबीआर पैटर्न का मतलब ये हो गया कि सेकेंड रैली सेकेंड रैली कभी भी हमारी फर्स्ट वाली लेग कैंडल से ऊपर ही ना जा पाए तो वो आरबीआर भी कुछ काम का नहीं है हमारे पास में इन शॉर्ट ये सब चीजें एक रूल के लिए सही हैं लेकिन ये किसी एग्जाम में नहीं पूछने वाले तो हम हमेशा हमारे लॉजिक को भी इंप्लीमेंट करेंगे सिक्स क्लास तक ये सब चीजें हमने पढ़ी जो हम आगे भी आज तक हम इनको काम में लेते आ रहे हैं सेवन्थ क्लास से एक अलग डायरेक्शन मिली कि आज से हम एक ट्रेड सेटअप ढूंढेंगे और ट्रेड सेटअप के लिए हमने स्टार्ट की मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस थ्योरी मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस थ्योरी हमने इसलिए स्टार्ट की क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर कभी भी एक सिंगल टाइम फ्रेम के ऊपर में ट्रेड मार्क नहीं करते हैं उनको ऑलवेज थ्री टाइम फ्रेम चाहिए तीन टाइम फ्रेम का सेट बनता है डिपेंड करता है कि वो कैसी ट्रेड लेना चाह रहे हैं वो स्विंग ट्रेड लेना चाह रहे हैं इंट्राडे ट्रेड लेना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट ट्रेड लेना चाह रहे हैं उसके हिसाब पे तीन टाइम फ्रेम का अलग-अलग सेट बनेगा और वही सेट के हिसाब पे हम ट्रेड करेंगे तीन टाइम फ्रेम अलग-अलग होंगे किसी टाइम फ्रेम पे हम ट्रेंड चेक करेंगे तो किसी टाइम फ्रेम पे हम एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्क करेंगे लेकिन हो सकता है कि एंट्री स्टॉप लॉस मार्क करने से पहले पहले हम सबसे पहले ये चेक करें कि बेसिकली इस स्टॉक के अंदर में जिस टाइप की हम ट्रेड लेना चाह रहे हैं स्विंग ट्रेड वो हमें लॉन्ग की मिल रही है या शॉर्ट की मिल रही है तो उसके लिए हमें जरूरी है कि सबसे पहले हम उसकी ओवरऑल बड़ी पिक्चर देखें जो हमें पता लगती है लोकेशन से लोकेशन पे बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ट्रेंड कैसे चेक करते हैं सिंपल ट्रेंड एनालिसिस सीखा जिसके अंदर में हमने ये कहा कि सिंपल मूविंग एवरेज 50 ऐड कर लीजिए चार्ट के ऊपर में स्टडी के थ्रू और सेवेंथ कैंडल के ऊपर में एक वर्टिकल लाइन कर लें, जहां पे हमारे मूविंग एवरेज को वो सबसे सिंपलेस्ट टेक्निक हमने बात की आगे चल के इससे भी एडवांस सीखेंगे लेकिन ये सबसे थी ट्रेंड की क्या वैल्यू होती है वो अभी हम समझेंगे ट्रेंड के बाद में इस टेबल के ऊपर में हम बात कर रहे थे इस टेबल को मैं क्यूकली बता देता हूं आज आप सब लोग जानते होंगे उस दिन शायद आप कंफ्यूज हुए होंगे कि बेसिकली याद रखने में आपको प्रॉब्लम आई होगी जो हमारा ट्रेडिंग पर्पस होगा वही हमारा हायर टाइम फ्रेम होगा हायर टाइम फ्रेम का मतलब लोकेशन टाइम फ्रेम कर्व एनालिसिस जिस पे हम ये चेक करते हैं बेसिकली हमें इस स्टॉक में बायर होना या सेलर होना सबसे पहले हमारा व्यू ये चेक करना होता है कि हम बायर होना या सेलर होना उसके लिए हम लोकेशन मार्क करते हैं वो लोकेशन जब हमें आइडिया दे देती है फिर जाके हम देखते हैं कि ट्रेंड क्या है उसका तो एक टाइम फ्रेम नीचे जाते हैं जिसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम अगर लोकेशन और ट्रेंड दोनों सेम व्यू दे रहे हैं तो फिर हम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम जिसे हम लोअर टाइम फ्रेम भी कहते हैं वहां पे हम एंट्री और स्टॉप स्टॉप लॉस लॉस मार्क करते हैं एंट्री और जो एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे मार्क कर रहे हैं उससे पहले हमें ये जानना जरूरी होता है कि बेसिकली उसको ट्रेंड और हमारा लोकेशन दोनों सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे उसके लिए हम प्रॉपर लोकेशन मार्किंग करते हैं लोकेशन मार्किंग क्या होती है जो अभी अभी हम बात कर रहे थे कि जब भी कभी भी कोई भी ऐसी पिक्चर है आपने सबसे पहले डिमांड जोन और सप्लाई जोन दोनों मार्क कर ले एक नियरेस्ट फ्रेश डिमांड जोन मार्क कर ले एक नियरेस्ट फ्रेश सप्लाई जोन मार्क कर ले लोकेशन के अंदर में जो भी डिमांड सप्लाई मार्क कर रहे हैं उनकी क्लोजिंग को ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देनी है बेस कैंडल ज्यादा है तो भी चलेंगे क्लोजिंग नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है नॉर्मल लेगाउट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है मतलब हमारे पैरामीटर जो है एक अच्छे जोन के उसको लोकेशन में इतना सीरियसली नहीं लेना है लेकिन एग्जीक्यूशन के अंदर में उनको हद से ज्यादा सीरियसली लेना है एग्जीक्यूशन में हमें सब चीजें बेस्ट से बेस्ट चाहिए एग्जीक्यूशन में हमें मल्टीपल लेग आउट एक्सप्लोजिव लेट मिनिमम बेस कैंडल और बहुत अच्छी क्लोजिंग चाहिए होती है लेकिन लोकेशन के अंदर में हमें ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं होती है लोकेशन मार्क करने के बाद में में बेसिकली हम जाते हैं रिट्रेसमेंट के ऊपर हमने कुछ एक एग्जाम्पल भी देखे इसके अंदर में think, एक एम आई टी ट्रेड हो सकती है लेट मी डिस्कस यहाँ पे देखिए एक एक्सेप्शनल एक की भी प्रैक्टिस हो गई यहाँ पे हमें पता भले ये लेगी ना हो लेकिन हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं आज के दिन हमें पता है शायद उस दिन हम कंफ्यूज हो रहे थे हमें ये भी पता है कि एक बार के लिए हम इसको लोकेशन कंसिडर कर सकते हैं कोई भी दिक्कत नहीं है जरूरी नहीं है कि इन तीनों को माने वैसे भी नहीं हमारा होता है की उस दिन हमने सीखा था रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने का मतलब प्रोक्सीमल लाइन ऑफ डिमांड जोन और प्रोक्सीम लाइन ऑफ सप्लाई जोन को जो आपस में मिला रहे हैं वो इसलिए मिला रहे हैं ताकि उस पोर्सन को इक्वली तीन पार्ट में डिवाइड कर सके

ये करता है कि हर टाइम फ्रेम पे ट्रेंड चेक करे और वो ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ना जाए इन शॉर्ट अगर आप लो ऑन द कर में ले रहे हैं तो ट्रेंड अप है तो ही ले। ट्रेंड डाउन में 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 लो 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 ऑन ऑन द द द ट्रेड लेना रिस्की है। में भी रिस्की है वेरी वेरी भी बट में उसमें लोकेशन का हमें सपोर्ट मिल जाता है तो कुछ एक्सेप्शनल ट्रेड है जिनमें सब चीजें बहुत ही ज्यादा तो उसको हम कंसिडर कर सकते हैं बट रिकमेंडेड यही था कि ऑलवेज गो विद द ट्रेंड ट्रेंड हम चेक करते हैं इस एक टाइम फ्रेम नीचे इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे वीकली वीकली टाइम टाइम फ्रेम फ्रेम पे पे हमने देखा कि हमारा जो ट्रेंड है 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 वो अप अप इसके अंदर में है तो हम की कहा ले सकते हैं लोंग की ट्रेड वो हम देखेंगे कि हमें कहा मिल रही है क्योंकि हमारा ये जो पोर्शन है ना ये हमारे लिए कोई ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं रखेगा क्योंकि एग्जीक्यूशन कहाँ मिल रहा है वो चीज जरूरी है करंट मार्केट प्राइस कहां है वो चीज जरूरी है क्योंकि वो तो अप एंड डाउन होती रहेगी ये देखेंगे कि एग्जीक्यूशन कहाँ मिल रहा है अगर इसके अंदर में देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे कोई भी एग्जीक्यूशन अच्छा नहीं है अगर इससे नीचे जाके अगर हम देखते हैं तो एग्जीक्यूशन हमारे पास में एक यहाँ है एक यहाँ है नीचे वाला टेस्टेड है तो दो एग्जीक्यूशन बेसिकली हमें मिल रहे हैं और ये दोनों के दोनों देखेंगे आप वेरी लोन द कर में है। तो वेरी लोन द कर के अंदर में जब ये ट्रेड है तो हम ये भी देखेंगे कि अराइवल के टाइम पे ट्रेंड हमारा क्या है अगर इनमें से एक भी यहां होता थोड़ा सा भी ऊपर होता लो इन द कर में और अराइवल के टाइम पे ट्रेंड अगर हमारा डाउन हो जाए तो हम उसे नहीं कंसिडर करेंगे लेकिन वेरी लो इन द कर के अंदर में हम फिर भी कंसिडर कर सकते हैं बट मेक श्योर ये ट्रेड सेटअप बहुत अच्छा हो उसके लिए हमने पढ़ा ट्रेड स्कोर ट्रेड स्कोर के अंदर में हमने कुछ एक पैरामीटर सेट किए कि, कि कितनी एक्साइटिंग कैंडल है कितनी बेस कैंडल है जोन फ्रेश है या नहीं उसके बिहार हम नंबर देंगे ट्रेड स्कोर पे चलने से पहले एक बार ये टेबल वापस से देख लीजिए जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है वो वही होगा जो हमारा ट्रेडिंग स्टाइल है मंथली है तो मंथली वीकली है तो वीकली डेली है तो डेली और आर्ली है तो सेवनटी फाइव या सिक्सटी मिनट इनको को trade को MIT, ट्रेड को हम शॉर्ट में मंथली इनकम ट्रेड को एम आई टी डब्लू इनकम ट्रेड को डब्लू आई टी डेली इनकम ट्रेड को डीआईटी आर्ली इनकम ट्रेड को एच आई टी बोलते हैं मैंने आपको यह कहा कि इनिशियली आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यू आई टी और एमआईटी के ऊपर में रहना चाहिए मंथली इनकम ट्रेड के लिए इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम एक टाइम फ्रेम नीचे वीकली है लोअर टाइम फ्रेम एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम एक टाइम फ्रेम और नीचे डेली है सिमिलरली इन सभी के लिए एक एक टाइम फ्रेम लोअर जाइए डेली के लिए सबसे फर्स्ट आता है 75 या 60 मिनट ऐसा नहीं कि 120 मिनट या ये कर दें ये सब का सब जो सेट बनाया गया वो प्रूवन मेथड पे बनाया गया है जो आपको बेस्ट रिजल्ट दे सके यहाँ पे कुछ एक रिफाइनिंग टाइम फ्रेम लिखे हुए हैं जैसे कि आप पांच मिनट की जगह तीन मिनट पे भी जा सकते हैं अगर अच्छे स्ट्रक्चर नहीं मिले फिफ्टीन मिनट की जगह आप टेन मिनट या फिर ट्वेंटी मिनट पे भी जा सकते हैं अगर आपको 15 मिनट पे अच्छी एग्जीक्यूशन नहीं मिल रही है तो बट ऐसा नहीं है जोन को अननेसेसरी फिट करने के चक्कर में हम 20 मिनट 21, 19 मिनट 18 मिनट सब पे डेमो करके देखें नहीं 15, 10, 25 ये थोड़े प्रूवन है कि ये सभी काम कर जाते हैं तो हम जा सकते हैं इन शॉर्ट चाहे वो डी ले या एच ले इनसे कहीं ज्यादा जरूरी ये होगा कि हमें वो ट्रेड जो हम ले रहे हैं हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट है या नहीं सेक्टर का सपोर्ट है या नहीं क्योंकि हमें पता है कि बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम की ट्रेड है जो कि एक छोटे से भी मार्केट के इमबैलेंस से स्टॉप लॉस हो सकती है वहां पे किसी ने भी गलती से उस कॉल को रिकमेंड कर दी किसी ने अपने चैनल पे भी तो दो रुपए कह तो इमिडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो सकता है तो हमें इन ट्रेड में बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव होना पड़ेगा इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम हमें सबसे पहले मंथली और वीकली पे फोकस करना है आज आपको समझ में आ रहा होगा कि मंथली, वीकली पे फोकस करते-करते भी कौन सी डेली लेनी चाहिए, कौन सी नहीं लेनी चाहिए वो हमें इलेवेंथ ट्वेल्थ और थर्टींथ क्लास में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा वेन टू बी अग्रेसिव टू बी कंजर्वेटिव के अंदर में आते हैं चलिए आगे ट्रेड स्कोर अगर लेवल फ्रेश है थ्री नंबर देंगे नीचे वाले दोनों के कुछ भी काम किए नहीं है बट समझाने के लिए लिखे गए थे हमें ऑलवेज फ्रेश को ही कंसिडर करना है अगर बात करें स्ट्रेंथ की तो दो लेग आउट कैंडल है तो दो नंबर होंगे एक लेग आउट कैंडल गैप के साथ है तो भी दो नंबर होंगे बट सिंगल लेग आउट कैंडल है तो सिर्फ वन नंबर होंगे बेस कैंडल की बात करें तो हमें कम से कम बेस कैंडल चाहिए एक से लेके तीन बेस कैंडल है तो दो नंबर होंगे अगर फोर टू फाइव बेस कैंडल है तो वन नंबर होगा और फाइव कैंडल से ज्यादा तो जीरो नंबर होगा ऑलवेज हमें कम से कम बेस कैंडल इसमें चाहिए होती है इन सब को कंसिडर करते हुए हम एक ट्रेड को नंबर देंगे हमने कुछ एक केसेस भी बनाए थे कि उनके ट्रेड स्कोर क्या क्या हो सकते हैं अगर यहां पे देखेंगे नोट लिखा हुआ कि अगर ट्रेड स्कोर सेवन है हम एंट्री टाइप वन लेंगे जिसे हम सेट एंड फोर गेट एंट्री कहते हैं और अगर ट्रेड स्कोर फाइव टू सिक्स है तो हम एंट्री टाइप टू या थ्री ले सकते हैं फाइव से नीचे तो एंट्री लेना अलाव ही नहीं है जब हम एंट्री टाइप पढ़ रहे थे तो हमने ये भी कंक्लूजन निकाला कि सेकेंड और थर्ड की तो शायद जरूरत ही नहीं है इन शॉर्ट फिर भी मैं आपको एक बार बता दूंगा कि वो एंट्री टाइप कैसे काम करते हैं अभी वापस आते हैं ट्रेड स्कोर वाले पॉइंट पे कि हर एक लेवल को ट्रेड कैसे देते हैं अगर ऊपर वाले लेवल की मैं बात करूं तो हमें पता है कि लेवल कंप्लीटली फ्रेश fresh है फ्रेशनेस के तीन नंबर इसे दे सकते हैं बेस कैंडल भी एक ही है तो बेस कैंडल के भी इसे दो नंबर दे सकते हैं लेकिन लेगआउट कैंडल एक ही है तो यहाँ पे एक नंबर कम हो गया लेवल हो गया सिक्स आउट ऑफ सेवन अगर लोअर लेवल की बात करें तो सेम यहाँ पे भी ये भी सिक्स आउट ऑफ सेवन है क्योंकि यहाँ पे भी लेग आउट कैंडल एक ही है हमें ये पता है कि किसी भी जोन की लेग आउट कैंडल जो है अनदर जोन की लेग इन कैंडल हो सकती है यस yes, ऐसा पॉसिबल है बिल्कुल हो सकती है इस एग्जाम्पल को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूं उसके पीछे भी रीजन है अभी मैं बताऊंगा वो रीजन क्यों है ओके okay. तो ये हो गई हमारे लेवल कहने का मतलब ये कि दोनों के दोनों सिक्स आउट ऑफ सेवन है दोनों के दोनों ही हमारे पास में 6 out of 7 है। हम ये देखेंगे तो क्या -क्या महाभारत का सीखा कि इसकी जरूरत क्या है हम डायरेक्टली लोकेशन पर ट्रेड क्यों नहीं ले रहे हम एग्जीक्यूशन के ऊपर में ही क्यों जा रहे हैं वो हम इसलिए जा रहे हैं कि उस लोकेशन टाइम फ्रेम पे रेंज वाइडर होती है लेकिन उस पूरी रेंज के अंदर हमें ये पता लग जाए कि सबसे ज्यादा पेंडिंग ऑर्डर कहा हम उसे ट्रेड करें सपोर्ट लेते हुए बड़े टाइम फ्रेम का और सपोर्ट लेते हुए ट्रेंड का मतलब हम अर्जुन के साथ में जाएं सपोर्ट लेते हुए श्री कृष्ण और सपोर्ट लेते भीम का हमारी ये अप्रोच थी सप्लाई जोन के लोकेशन को हमने माना भीष्म पितामा सप्लाई जोन के एग्जीक्यूशन को हमने दुर्योधन माना डिमांड जोन के लोकेशन को श्रीकृष्ण माना डिमांड जोन के एग्जीक्यूशन को हमने अर्जुन माना हम ये बात कर रहे थे कि कोई भी ट्रेड अगर आप चाह रहे हैं कि आपके फेवर में ज्यादा से ज्यादा काम करे तो ऑलवेज हायर टाइम फ्रेम का सपोर्ट सप्लाई जोन के केस में भीष्म पितामा का सपोर्ट तो डिमांड जोन के केस में श्री कृष्णा का सपोर्ट श्री कृष्णा का सपोर्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर दोनों ट्रेड प्रॉपरली कोसाइड कर रहे हैं प्रॉपरली कोइनसाइड का मतलब ये एग्जीक्यूशन और लोकेशन दोनों अगर प्रोपरली कोइनसाइड करें ना कहीं पे तो इसका मतलब ये कि श्री कृष्ण का पूरी तरह से सपोर्ट है जैसे यहाँ पे इन दोनों एग्जीक्यूशन को श्री कृष्ण का सपोर्ट है अगर ऊपर होते है ना दोनों एग्जीक्यूशन तो हम ये कहते कि प्रॉपरली सपोर्ट नहीं है श्री कृष्ण का तो उस केस के अंदर में चांसेस ये है कि हमारी ट्रेड हमारे अर्जुन के साथ में हमें इंडिपेंडेंटली खेलना पड़े हम ऐसा नहीं कि अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेते हैं बट हम सबसे पहले ये देखते हैं कि अर्जुन इतना कैपेबल है उसके लिए हम ट्रेंड चेक करते हैं मतलब अर्जुन के तीर निशाने पे लग रहे हैं या नहीं लग रहे अगर ट्रेंड फेवर में है तो हम कह सकते हैं अर्जुन के तीर निशाने पे लग रहे हैं साथ में हम ये भी देखते हैं अर्जुन की क्लोजिंग कैसी है अगर ऐसा है तो हम अग्रेसिव जा सकते हैं लेकिन कुछ भी प्रॉब्लम लग रही है कि अर्जुन अग्रेसिव खेलते खेलते प्राइस जो है सप्लाई जोन को हिट हो चुकी है भिस्म पितामा को हिट हो चुकी है तो हो सकता है कि अब प्राइस डायरेक्टली श्रीकृष्णा तक आए चाहे अर्जुन कितने भी पावरफुल क्यों ना हो तो हमें ऐसे केसेस के अंदर में हमेशा सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव अप्रोच प्रोपरली कोइन लेवल पे ही काम करना चाहिए अर्जुन पे हम अग्रेसिव खेलने के लिए तभी अलाउ हैं जब प्राइस भीषमा पितामा को किसी सप्लाई जोन को हिट नहीं करी है उसकी क्लोजिंग अच्छी है सेवन आउट ऑफ सेवन है सब चीजें अच्छी है बट मैंने आपको यह कहा कि आप जो भी ट्रेड मार्क करें वो सबसे बेस्ट मार्क करें और आप हमेशा ये सोचें कि ट्रेंड भी अप हो प्रोपरली कोई साइडिंग हो सेवन आउट ऑफ सेवन हो और अच्छी क्लोजिंग हो ये हमने एक अच्छे जोन की डेफिनेशन बनाई इन क्लासेस से सबसे सीखने के बाद में हमने ये एक डेफिनेशन रेडी करी कि ऐसी एक डेफिनेशन हमें बेसिकली चाहिए ट्रेड स्कोर हो गया सब चीजें हो गई फिर उसके बाद में हम एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्क करते हैं कि एंट्री एंड स्टॉप लॉस अब इसके अंदर में एंट्री एंड स्टॉप लॉस मार्क करने से पहले आगे चलते हैं फिर वापस आएंगे यहीं पे एंट्री एंड स्टॉप लॉस पे पहले मैं चाह रहा हूं कि दस क्लास तक का रिविजन हो जाए फिर उसके बाद में आगे चलते हैं हमने पढ़ी एंट्री टाइप एंट्री टाइप वन सेट एंड एंट्री जो हम हमेशा यूज करते आए हैं कि प्रोक्सीमेट लाइन पे डायरेक्टली एंट्री डिजिटल लाइन के नीचे एस कुछ भी उसमें तामझाम नहीं करना है सिंपल रखनी है एंट्री टाइप टू पे हमने ये सीखा कि जब भी कोई भी जोन वीक है तो उसके अंदर में एंट्री टाइप की जा सकती है जिसमें हम कभी भी जोन में जो कैंडल आ रही एंट्री नहीं ले रहे हैं कैंडल का जोन में क्लोज होने का वेट कर रहे हैं वेट करने के बाद में कैंडल जब जोन में ही ओपन होगी तो हम एंट्री लेंगे अगर जोन से बाहर ओपन होगी एंट्री मिस जोन से नीचे ओपन होगी तो भी एंट्री मिस हम कभी टारगेट से मिस हो सकते हैं तो कभी हम स्टॉप लॉस से बच भी सकते हैं तो ये एंट्री टाइप के कुछ एक प्रोजेंट कौन थे एंट्री टाइप थ्री की बात करें तो हम और भी ज्यादा कंजर्वेटिव होते हैं जहां पे हम जोन से जब प्राइस बाहर निकल जाती है ना तब जाके एंट्री लेते हैं क्योंकि हमें थोड़ी यहां पे और भी ज्यादा कंफर्मेशन चाहिए कि एटलीस्ट ये एरिया क्या वाक्य में इतना रिलायबल था क्या कि जो प्राइस को होल्ड करके थोड़ा ऊपर पहुंचा सके तो इसलिए जोन के अराइवल पे एंट्री ना लेके जोन के एग्जिट पे डिपार्चर पे हम एंट्री लेते हैं कि जब जोन से बाहर निकलती तो हम एंट्री रखें प्रोक्सीमा लाइन के ऊपर में ताकि हमें उस एरिया की स्ट्रेंथ पता लग जाए ये होती है एंट्री टाइप थ्री जिसे हम कंफर्मेशन एंट्री भी बोलते हैं क्योंकि एक थोड़ी कंफर्मेशन मिल रही है इसके अलावा एक कंफर्मेशन एंट्री हम कल पढ़े थे जो कि बिल्कुल इससे अलग थी एंट्री टाइप पढ़ने के बाद में हमने ये कंक्लूजन निकाला कि हमारे पास में इतना ही अगर फालतू का टाइम होता कि सुबह से शाम तक हम बैठे रहते तो क्यों ना एक बहुत ही अच्छी ट्रेड सेटअप सेवन आउट ऑफ सेवन ही ढूंढ लेते जब अगर इतना ही टाइम है कि ये वेट करें कि कैंडल क्लोज होने दें सेकंड कैंडल को बाहर निकलने दें उसके लिए वेट करते रहें तो उससे बेटर ये है कि क्यों ना एक सेटेंड फॉरगेट गेट एंट्री टाइप वन ही रखें हमेशा से लेवली सेवन आउट ऑफ सेवन पे फोकस करें यस हमने यही डिसाइड किया कि हम एंट्री टाइप वन रखें फिर भी आपको एक आइडिया मिल गया था कि कुछ इस टाइप से भी एंट्री टाइप हो सकती है इसके बाद में हमने कुछ एक दोबारा से ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड इमोशन से रिलेटेड बातें करी कि हर एक आदमी का इंडिविजुअल का रिस्क मैनेजमेंट जो है अलग अलग हो सकता है, हो सकता है और वो डिपेंड करेगा कि उसके चाइल्डहुड से लेके अभी तक क्या क्या सिचुएशन हुई है आज उसके ऊपर में कैसे ऊपरिटीज है कैसी है कैसा फैमिली प्रेशर है कैसी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन है तो सबका रिस्क मैनेजमेंट सबका साइकोलॉजी मैनेजमेंट अलग अलग होगा बट हम उस चीज को शॉर्ट आउट करने की कोशिश उस दिन से कर रहे थे और आई एम श्योर काफी लोगों की काफी हद तक शॉर्ट आउट हो चुकी होगी जो सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ा वो हमने पढ़ा रिस्क मैनेजमेंट जो हमारी ट्वेंटी क्लास तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी जैसे कि वो चीज अलग है जैसे मैं ये कहूं कन्फर्मेशन बहुत अच्छी क्लास नो डाउट बहुत अच्छी मैं कहूँ सेक्टर उससे भी अच्छी नो no डाउट बहुत अच्छी सारी क्लासेज बहुत ज्यादा अच्छी है बट रिस्क मैनेजमेंट ही एक ऐसी चीज है जो आपको ये बताती है कि बेसिकली आपका कैपिटल कहां से कहाँ ग्रो करेगा और किस हिसाब से करने से कितनी एक्यूरेसी से कितना ग्रो करेगा आपको कैसे ट्रेड करना है कैसे नहीं करना है ये आपको टोटल रिस्क मैनेजमेंट बताती है तो इस क्लास को जितनी बार देखें जैसे ये अगर मैं ये कहूँ की ये टेंथ क्लास है तो इस टेंथ क्लास को अगर आप दस बार भी देखें तो भी वो कम है क्योंकि ये हमेशा आपको एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजी बना के रखेगी तो जब भी टाइम मिले दस से पंद्रह दिन के अंदर में इस क्लास को बार बार देखते रहें ये आपको गलतियां नहीं होने देंगे इस क्लास में ऐसे input, ऐसे इनपुट ऐसी ऐसी बातें मैंने बोली है जो कि आपको लाइफ लॉन्ग तक भटकने नहीं देंगी तो भले ही आप ये सोचे कि मुझे सब चीजें पता रिस्क है रिस्क मैनेजमेंट वाली ये टेबल मेरे सामने है मुझे सब चीजें पता है तो भी मैं उस क्लास को क्यों देखूं क्यों तीन घंटे खराब करूं वो तीन घंटे हर पंद्रह दिन में अगर आप देते हैं तो वो आपको बिल्कुल भी भटकने नहीं देंगे ये मेरी गारंटी है तो इस पॉइंट को आज की क्लास का अगर रिविजन के अंदर में भी अगर आपको कोई बुलेट पॉइंट लिखना हो तो वो बुलेट पॉइंट यही लिखना कि सर ने ये बोला कि रिस्क मैनेजमेंट क्लास को हर पंद्रह दिन में देखते रहे मैं आपको ये वाली चीज भी बोल रहा हूं तो मतलब इसके पीछे भी बहुत बड़ा लॉजिक प्रूवन चीज है कि जिन जिन ने इस रिस्क मैनेजमेंट क्लास को कंटिन्यूअसली वो देखते रहे भले ही सब चीजें आती हूँ भले ये पूरी चीजें उनको माइंड में याद है बट स्टिल उन लोगों के गलतियां होने के चांसेस हमेशा से कम से कम रहे क्योंकि उनको सब चीजें पता होती हैं कि सर ने इतनी बार बोला ऑप्शंस में ट्रेडिंग मत करो मैं क्यों कर रहा था अननेसेसरी क्यों लेने की सोच रहा था सर ने ये बोला कि टेंप्रेरी सेटअप है छोड़ दो मैं क्यों ले रहा था सर ने ये बोला कि बेस्ट से बेस्ट बस टेन ट्रेड पे फोकस करो टेन से ज्यादा आप लेने के लिए अलाउ ही नहीं हो यस इस क्लास में पूरी पे हमने यही फोकस किया कि टेन ट्रेड से ज्यादा तो आप लेने के लिए बिल्कुल अलाउ है ही नहीं चाहे आप कुछ भी कर लें और वो टेन ट्रेड सबसे बेस्ट से बेस्ट मिलने चाहिए चाहे आपको कितने भी बेस्ट मिले कितने भी ज्यादा क्यों ना मिले बट आपको तो लेनी है सिर्फ और सिर्फ टेन ट्रेड ही से ज्यादा आपको फोकस ही नहीं करना फिर आप देखेंगे कि आपका कैपिटल कितना ग्रो होता है। हम ये मान के चल रहे थे कि यहां तक का तो छोड़िए सब चीजें तो दूर की बात है अगर मैं आपको यह कहूं कि सिर्फ और सिर्फ यहां, यहां इस स्टेप पे ही रहते हैं नेक्स्ट सिक्स मंथ तक आप ये कहें कि सर मेरी एक्यूरेसी 50 परसेंट से ज्यादा आई नहीं पा रही है वो किसी भी वजह से नहीं आ पा रही हो वो चाहे इस वजह से हो कि आपने ट्रेड गलत तो नहीं ट्रेड तो सही ले रहे हो लेकिन आप एसल हिट होने के बाद में भी कुछ पैसे नीचे एग्जिट कर रहे हैं टारगेट हिट होने के बाद में भी टारगेट हिट होने से पहले एग्जिट कर दे रहे हैं मतलब कुछ ना कुछ आप प्रॉब्लम कर रहे हैं अपने ट्रेड के अंदर में स्टिल मैं आपको ये कहूँ की आप इस एक्यूरेसी पे बने रहते हैं फिफ्टी फिफ्टी वाली पे चाहे आप कितनी भी गलतियां कर रहे हैं चाहे जो ट्रेड नहीं लेनी चाहिए वो भी ले रहे हैं 50% एक्यूरेसी को भी अगर आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर लेते हैं 2% रिस्क के साथ में तो भी आपको 10% रिटर्न ऑन कैपिटल मिलता है जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा है जो कि कहीं पे भी नहीं मिलता इस क्लास में इतने सारे इनपुट दिए हैं मैंने आपको कि एक एज ए ट्रेडर हमारी क्या एक्सपेक्टेशन होती है तीन कैटेगरी के ट्रेडर होते हैं तीनों की क्या-क्या एक्सपेक्टेशन -क्या होती है जबकि हम कोई दूसरा बिजनेस ओपन करते हैं तो हमारी क्या-क्या एक्सपेक्टेशन -क्या होती हैं उन तीन घंटे की सारी बातें अभी मैं नहीं बता सकता इसलिए मैं हमेशा आपको ये कह रहा हूं कहता रहूंगा कि इस क्लास को जितना ज्यादा आप देख सकें उतना ज्यादा देखिए इस क्लास में आपकी मार्जिन वाली प्रॉब्लम ऑप्शन में मुझे काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए सारी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाती है आपका ये माइंड क्लियर रहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पे फोकस करना सर ने जो ये कहा है कि हर एक ट्रेड को ये कोशिश करें कि मैं इसको रिजेक्ट कर दूं ये वाला माइंड सेट रखें स्ट्रेड को रिजेक्ट करनी है तो फिर जाके क्वालिटी बाहर निकल के आती है और ये वाला माइंड सेट रखा कि स्ट्रेड को कैसे ले सकता हूं तो सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी बाहर निकल के आती है और जब क्वालिटी बाहर निकल के आएंगे तो 70, 80 क्यों बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आएगी क्योंकि एक एग्जीक्यूशन बेस्ट ट्रेड भी आपको सेवन फिफ्टी परसेंट की एक्यूरेसी 40, 50 परसेंट की एक्यूरेसी दे देती है एग्जीक्यूशन बेस्ट ट्रेड की बात कर रहा हूं अगर आप उससे एक टाइम फ्रेम ऊपर जाके देख लें ट्रेंड तो सिक्सटी परसेंट एक्रेसी और लोकेशन भी देख लें तो सेवेंटी परसेंट एक्रेसी लोकेशन एक्जीक्यूशन प्रॉपरली कोई साइड और क्लोजिंग अच्छी देख लें तो मे भी उससे भी ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी और जो चीजें हमने अग्रेसिव कंजर्वेटिव में पढ़ी अगर उन चीजों का आप ध्यान रख लें कोई कोई ट्रेड ट्रेड आप आप जैसे अभी हम अशोक में देख रहे थे थे लेने वाले थे, लेकिन आपको पता लगा मंथली के सप्लाई जोन को वो हिट हो चुकी है और वो आप लेते लेते रह गए तो एक ट्रेड जो असल हिट होने वाली थी वो आपकी ट्रेड में गई नहीं तो फिर आपकी एक्यूरे बाई डिफोल्टी अच्छी मेंटेन रहेगी क्योंकि अगर तीन ट्रेड भी ऐसी ले लेते हैं आप तो आपकी एक्यूरेसी आउट ऑफ टेन तीन वो ट्रेड एसल हिट हो गई लेकिन सेवन ट्रेड चली तो सेवेंटी परसेंट एक्यूरेसी रही बट अगर आपने वो तीन ट्रेड छोड़ दी

क्योंकि गेम है पूरा का पूरा डिमांड एंड सप्लाई का गेम है पूरा का पूरा बाइंग एंड सेलिंग का गेम है पूरा का पूरा, पूरा पैसे का जिसके पास में जितना पैसा उस स्टॉक को वो हिला सकता है कभी भी कितनी भी बाइंग सेलिंग कहीं से भी आ सकती है तो जिस ट्रेड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी ना सोचे की ये ट्रेड ऐसा हिट क्यों हो गई कि उसका आप मातम मनाने लगे हमेशा ये सोचें कि मार्केट है बिल्कुल हो सकती है यहाँ पे कोई भी बंदा सेल कर सकता है ये मेरे कंप्लीटली कंट्रोल से बाहर की चीज है Completely मेरे कंट्रोल से से बाहर बाहर की की चीज़ चीज़ है। है ये उसी टाइप कि आप कोई एच आई टी शोट ले रहे हैं अभी और गलती से मैंने स्टॉक आइडिया पे उसकी बाइक की कोल दे दी चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो लेकिन आप मुझे नहीं रोक सकते बाइक करने से और दूसरों को बाई करवाने से तो जो चीज कंप्लीटली आउट ऑफ कंट्रोल हो उसे छोड़ देनी चाहिए आपको फोकस ये रखना चाहिए कि मैं मेरे रूल ना तोड़ू फिर मेरी एक्यूरेसी बाय डिफॉल्ट मेंटेन रहेगी 70, 80, 90 परसेंट तक भी मुझे एक्यूरेसी मिलेगी मुझे 100 परसेंट चाहिए ही नहीं ये माइंडसेट आपको रखना है कभी भी ये ना सोचे कि ये ट्रेड ट्रेडेसल हिट हुई क्यों इसमें रीजन क्या मैं बता रहा हूं मैंने हर क्लास में बोला मैं फिर से बता देता हूं कि भले ही कोई भी रीजन ना हो ना आपको मिला ना मुझे मिला फिर भी असल हिट हो सकती है क्योंकि गेम है पूरा बाइंग एंड सेलिंग का जिसमें आप किसी को भी नहीं रोक सकते इन शॉर्ट आपको अगर 70 80 परसेंट भी एक्यूरेसी मिल रही तो आपका कैपिटल बहुत ज्यादा ग्रो करता 70 परसेंट एक्यूरेसी में थ्री टू वन के अकॉर्डिंगली आपको याद होगा हम थर्टी सिक्स थाउजेंड अराउंड बना रहे थे क्योंकि अगर थ्रीज टू वन से यहाँ पे वन परसेंट रिस्क लिखा हुआ आपको पता आपको 2 तो लेना है आपको टू तो मिनिमम लेना ही लेना है आफ्टर थ्री मंथ ही तो यहाँ पे थर्टी सिक्स बनता 70 है सेवेंटी परसेंट छोड़िए मैंने तो ये वर्ष केस मान लिया था उसी दिन कि आप बहुत दिन तक यहीं पे भी रहते हैं ना तो भी टेन परसेंट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ा होता है बहुत बड़ा हर दस महीने में आप अपने पैसे को डबल कर रहे हैं तो आप इसे एक पॉजिटिव बिजनेस की तरह देखें आप इसे ऐसा ना सोचें कि रातों तो रात मेरा कैपिटल डबल हो जाए अदरवाइज अपने हाथ खुद ही जला बैठे नहीं अगेन मैं बोल रहा हूं इस क्लास को आप जितना देख सकते हैं उतना देखिए जितना देख सकते हैं आप उतना देखिए रिस्क मैनेजमेंट क्लासेस टेन क्लास तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी रिस्क मैनेजमेंट सीखा मैंने आपको ये कहा कि चाहे तो ट्रेडिंग कर सकते हैं और चाहे तो कुछ दिन का वेट कर लीजिए लेकिन मैंने ये कहा कि अभी बहुत सारी चीजें पढ़ना बाकी है तो आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं वो जीरो पॉइंट फाइव परसेंट के रिस्क से ही लें जो भी गलतियां होनी है वो उसी में हो जाएं सबसे पहला टास्क ये था कि हंड्रेड ट्रेड लेनी है और वो क्वालिटी की लेनी है सर ने टास्क दिया तो ऐसा नहीं कि पांच दिन में उसे कंप्लीट कर दे चाहे आपको थ्री मंथ लगे सिक्स मंथ लगे वन ईयर लगे आप ये ना सोचें कि मेरे साथ वाले ग्रुप वालों ने तो कंप्लीट कर दिया वो टास्क लेकिन मेरा कंप्लीट नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं है कोई भी दिक्कत नहीं है हो सकता है वो हंड्रेड क्या वो टू ट्रेड कंप्लीट करने के बाद में भी आपके लेवल को मैच ना कर पाए भले आपकी थर्टी ट्रेड ही क्यों ना हुई हो

हंड्रेड ट्रेड लेने का लॉजिक यही था कि आप बेहतरीन ट्रेड ले सकें जो गलतियां होनी है वो उन्हीं में हो जाए जीरो पॉइंट फाइव परसेंट के रिस्क से ही हो जाए अगर सिक्स मंथ तक आपका कैपिटल फिफ्टी थाउजेंड से फिफ्टी या फिर फोर्टी फाइव थाउजेंड भी रहता है तो ये मान लीजिए सेलिब्रेशन का टाइम है भले ही आपने कुछ भी नहीं बनाया हो लेकिन सबसे अच्छा काम ये किया कि आपने अपने कैपिटल को खत्म भी नहीं होने दिया तो आपने जो सीखा ना वो प्राइसलेस है आप कंसोलिडेशन में चल रहे हैं, एक दिन अपने आप ही उसके अंदर में अपर सर्किट लगने लगेंगे आपके कैपिटल के अंदर में तो लर्निंग इंपोर्टेंट है कैपिटल ना जाए वो इंपोर्टेंट है कमाना इंपोर्टेंट नहीं है पहले सीखना इंपोर्टेंट है फिर पैसा अपने आप बन जाता है हंड्रेड ट्रेड जिस दिन हो गई एम आई टी के अकॉर्डिंगली अपने आप पैसा बन जाएगा अभी तक आप ये भी समझ गए होंगे उन दस क्लासेज के बाद में जो हमने तीन चार क्लासेस पढ़ी है कि उनके अंदर में डब्ल्यू आई पे ही मैं क्यों जोर दे रहा हूं डी आई टी एच आई टी पे जोर क्यों नहीं दे रहा क्योंकि डब्बू आई टी एम आई टी ट्रेड ही उनका बेस है क्योंकि आपने देखा होगा कि हिंद पैट्रो देखा हमने अशोक लीलैंड हमने देखा बहुत सारे स्टॉक हमने देखे फेडरल बैंक हमने देखा कि उन सब के अंदर में जो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था ना इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग डेली पे डिमांड जोन वो भी इमीडिएटली स्टॉप लॉस हिट हो रहा है क्योंकि वो किसी ना किसी मंथली के सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर आ रहा है तो अगर वो पिक्चर हमें नहीं पता ना एम आई टी ट्रेड डब्ल्यू आई टी ट्रेड की तो फिर हमारे एस एल हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं इसके बाद में हम जब वेंट टू भी तो हमने और भी ज्यादा चीजें डिटेल के अंदर में देखी लेट मी ओपन दैट स्लाइड ऑल्सो ये हम उस दिन पिक्चर बना रहे थे मैंने इसको सेव कर लिया था क्योंकि मुझे पता था कि मुझे रिवीजन करवाना पड़ेगा तो इस वजह से मैंने इसको सेव कर दिया था अगर कोई भी लोकेशन आपके पास में इस टाइप से है कोई भी लोकेशन अगर आपके पास में इस टाइप से चाहे वीकली हो मंथली हो कुछ भी हो आपके पास में मल्टीपल एग्जीक्यूशन है यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है तो अगेन यहाँ तक तो वही लॉजिक है श्री कृष्णा एंड अर्जुन वाला अर्जुन को अग्रेसिवली तभी ले सकते हैं जब अर्जुन की पोजिशन बहुत ज्यादा पावरफुल हो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो क्लोजिंग अच्छी हो सेवन आउट ऑफ सेवन हो बट वो अर्जुन अगर भी पितामा को हिट कर जाए किसी दूसरे सप्लाई को तो हमें अग्रेसिव नहीं लेना चाहिए हमें इस एरिया पे ही फोकस रखना चाहिए क्योंकि यही होगा फिर पावरफुल एरिया ये एरिया एसएल हिट हो सकता है लेकिन प्राइस ने उसको तो ब्रिज किया और किसी दूसरे सप्लाई को हिट कर दिया तो हम ये कह सकते हैं कि 125 मिनट के डिमांड जोन जोन एक, लिस्ट एक सप्लाई जोन को खत्म किया यहाँ पे हमें एक अनदर पॉइंट मिला अगर किसी लोअर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन को खत्म करता है तो फिर वो और भी पावरफुल होगा क्योंकि उसने अपने आप की स्ट्रेंथ को प्रूव किया कि वो वहां पर सच में पावरफुल है सिमिलरली लोअर टाइम फ्रेम का सप्लाई किसी हायर टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को खत्म करता है तो वो सप्लाई भी वहां से बहुत ज्यादा पावरफुल होगा अगर यहां से प्राइस डाउन आ रही है तो हो सकता है ये वीकली का सप्लाई भी चल जाए हो सकता है ये भी चल जाए वो डिपेंड करेगा ये वीकली का सप्लाई पावरफुल था या फिर ये 125 मिनट का एग्जीक्यूशन पावरफुल था बट एक चीज कंफर्म है अगर ये बड़ा टाइम फ्रेम हो गया कोई मंथली वगैरह कुछ भी तो हो सकता है कि प्राइस इसको भी ब्रीज कर दे किसी मंथली के एरिया को हिट करे ये हम उस दिन से लेके आज तक जो भी एग्जाम्पल देखे उन सब में हमने इस पिक्चर को समझा है मंथली से डाउन आ रही है तो मंथली हो मंथली का बिल्कुल टेम्परेरी सा था लेकिन वीकली का बहुत स्ट्रोंग है तो उसे वीकली भी रोक सकता है बट एक बार रूल के लिए ऐसे सोचें कि मंथली के सामने मंथली का डिमांड जोन हो डेली पे अगर आप यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले रहे हैं तो ऐसे हिट होने के पूरे चांसेस हैं। आप वेट करें कि क्लोजिंग अच्छी हो तब जाके आप कोई ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं अग्रेसिव अदरवाइज नहीं यहाँ पे भी हमने सीखा टॉप डाउन अप्रोच के अंदर में प्राइस डाउन आ रही है मंथली के सप्लाई डिमांड को हिट कर रही है आसपास के नियरेस्ट सारे डेली के सप्लाई या वीकली के सप्लाई एसल हिट होने के चांसेस है सिमिलरली प्राइस अप जा रही है तो आसपास के नियरेस्ट डेली के सप्लाई डिमांड जोन हिट होने की चांसेस हैं यहाँ पे एस हिट होने की चांसेस हैं अगर प्राइस ने जस्ट सप्लाई को हिट किया है तो अभी अभी एग्जाम्पल देखा था आज वाले एग्जाम्पल में भी ये चीज थी कॉमन तो मतलब ये सब चीजें हो सकती हैं तो इसलिए इन क्लासेस से जो थी इलेवंथ ट्वेल्थ थर्टीन एंड फोर्टीन स्पेशली इलेवंथ ट्वेल्थ इन्हीं से आप समझ गए होंगे कि बेसिकली हम वो सारी ट्रेड अवॉइड कर सकते हैं जो कि गलती से हम लेने वाले थे इलेवन ट्वेल्थ क्लास से हम ये सीख गए कि हमें क्या है कि बेसिकली बॉक्सेस बना के रखने हैं मंथली और क्वार्टरली के ग्रीन एंड रेड जिससे हमें पता रहे कि रेड में तो मतलब कुछ डेंजर है हमें डेली डी आई टी आर डब्ल्यू आई टी लॉन्ग ना लें अगर ग्रीन में है तो डी आई टी आर डब्ल्यू आई टी शॉर्ट ना लें डेंजर है कुछ ना कुछ अब जब एम आई टी ट्रेड डब्ल्यू आई टी ट्रेड हंड्रेड ले चुके होंगे तो अपने आप ही इतना एक्यूरेट हो चुके होंगे उस स्टॉक की जर्नी को आप थ्री टू फोर मंथ से रेगुलर ट्रैक कर रहे होंगे गलतियां होने के कम से कम चांसेस हो जाएंगे मतलब आप रूल बेस्ड के अकॉर्डिंगली इतना वो हो जाएंगे कि जब हंड्रेड ट्रेड ले चुके होंगे ना तो जो गलतियां होनी थी वो हो चुकी अब गलतियां होने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं आपके बिल्कुल खत्म हो चुके हैं अब तो बस ये कि कोई ट्रेड अननेसेसरी अपनी मर्जी से असल हिट हो गई तो हो गई बट उस केस में आपकी एक्यूरेसी बहुत जबरदस्त बनी रहेगी बहुत अच्छी एक्यूरेसी मेंटेन आपकी रहेगी ये हमने पढ़ा वेंट टू बी अग्रेसिव वेंट टू बी कंजर्वेटिव लास्ट थ्री टू फोर क्लासेस से हम यही यही चीजें पढ़ रहे हैं कि बस कहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है और हम उस ट्रेड को छोड़ दे रहे हैं जो ट्रेड अग्रेसिव थी तो सोचिए उससे अच्छा अचीवमेंट हमारे लिए क्या होगा हमारी ट्रेड हिस्ट्री के अंदर में उस ट्रेड की एंट्री नहीं हुई जो दिखने में हमें बहुत अच्छी लग रही थी बट मंथली के सप्लाई जोन से डाउन आ रही है बस हमने वो नहीं ली तो फिर वो हमारा अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमने एक ट्रेंड की एडवांस अप्रोच सीखी एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के अंदर में बट उससे पहले हमने क्या किया मूविंग एवरेज का पढ़ा कि हमारा जो मूविंग एवरेज है वो एक लेगिंग इंडिकेटर है लेगिंग इंडिकेटर क्यों है क्योंकि यहां पे आप देखेंगे कि प्राइस जो है आप जा रही है ना तो भी मूविंग एवरेज हो सकता है हमारा डाउन आए और प्राइस देखिए जब डाउन आ रही है वन से वन आई है तो भी हमारा मूविंग एवरेज हो सकता है वहां से अप जाए जैसे 106 से एवरेज हो गया 108 जबकि प्राइस लगेगा इस स्लोप को चेंज होने में अगर दो या तीन दिन प्राइस बढ़ भी गई तो उससे कुछ नहीं होगा क्योंकि डेटा है फिफ्टी डेज का इसी के लिए हमने क्या निकाला हमने निकाला एडवांस ट्रेंड एनालिसिस हमने ये भी सीखा मूविंग एवरेज वाले दिन हमें बेसिकली जो चीजें चाहिए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से सबसे ज्यादा काम पड़ेगा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से हम क्रॉस ओवर डेथ क्रॉस ओवर देखेंगे जिसको हम एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर दे रहे थे सेवन ट्रेड स्कोर हम पढ़ चुके थे एक एक्स्ट्रा ट्रेड स्कोर था हमारा गोल्डन क्रॉस ओवर डेथ क्रॉस ओवर

गोल्डन क्रॉस ओवर डेथ क्रॉस ओवर बाद में चेक होंगे अगर वो मिल गए तो भी अच्छा नहीं मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं मिलते हैं तो एडिशनल वन नंबर दे देंगे मतलब ट्रेड के चलने के और चांसेस बढ़ गए बट नहीं भी मिलते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है इन शॉर्ट प्रायोरिटी हमारा हमारा एक अच्छा ट्रेड सेटअप होगा ना कि गोल्डन क्रॉस ओवर और डेथ क्रॉस ओवर देन हमने पढ़ा ई एम ए ट्वेंटी आज भी उसका एग्जाम्पल देखा कि ईएमए कैसे प्राइस को अपने ही जाने दे रहा ईएमए 20 सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली चीज है जहां पे सबसे ज्यादा लोग एल्गो ट्रेडिंग करते हैं मतलब वहां पे बाइंग और सेलिंग के ऑर्डर होते हैं उसी वजह से वो एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों काम करता है ई एम ईएमए 20 को हम डायरेक्टली वैसे काम नहीं लेंगे लेकिन हाँ हो सकता है कि कभी हमारे टारगेट से जस्ट पहले ईएमए 20 आ गया और ट्रेड सेटअप नॉर्मल था तो वहां पे हम जल्दी बुक कर लें बट ऐसा कभी कभी होगा क्योंकि हम ट्रेड सेटअप तो अच्छा ही ढूंढने वाले हम ई एम को ऐसे काम में लेंगे कि अगर वो किसी भी हमारे डिमांड जोन में हमें मिल गया तो हम उसका एडिशनल वन नंबर देंगे गोल्डन क्रॉस ओवर का अलग था उसका अलग होगा ई एम का चाहे वो ईएमए 20 डेली वीकली मंथली कोई भी टाइम फ्रेम का हो और चाहे ट्रेड भी कोई भी हो के लिए डेली का ई एमए हो वीकली का हो मंथली का हो. Sure वो हो क्योंकि सारे मूविंग एवरेज सिर्फ और सिर्फ ट्रेंडिंग मार्केट में काम करते हैं साइडवेज में काम नहीं करते हैं तो ई एम ए अपने आप में बहुत पावरफुल है इसका भी हमने एक एडिशनल ट्रेड स्कोर दिया हम गए और आगे हमने सीखा कि इससे भी ज्यादा कुछ एडवांस हो सकता है क्या हमने सीखा एडवांस ट्रेंड एनालिसिस एडवांस ट्रेंड एनालिसिस कैसे काम करती है अगर कोई भी प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो वो तब तक डाउन ट्रेंड में ही रहेगी जब तक वो सारे सप्लाई को रेस्पेक्ट कर रही है जैसे एक भी सप्लाई जोन टूटता है तो प्राइस हमारी साइडवेज हो जाएगी इसके लिए मैंने एक पिक्चर भी बनाई थी मैं आपको दिखा देता हूँ वापस से ये वाली पिक्चर थी प्राइस तब तक साइडवेज ही रहेगी डाउन ही रहेगी जब तक की सारे सप्लाई रेस्पेक्ट कर रहे हैं जैसे ही एक सप्लाई जोन टूटता है तो प्राइस अप हो जाएगी जैसे ही दो सप्लाई जोन टूटते हैं सॉरी एक टूटने पे साइडवेज हो जाएगी और जैसे ही दो सप्लाई जोन टूटते हैं तो फिर प्राइस अप ट्रेंड में चली जाएगी अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में आने के लिए अगेन उसे दो डिमांड जोन ब्रीच करने पड़ेंगे अगेन एक टूटा तो साइडवेज दो टूटे तो फिर हमारा डाउन ट्रेंड साइडवेज अगर कोई भी प्राइस है साइडवेज से उसे डाउन जाने के लिए सिर्फ एक डिमांड जोन तोड़ना है साइडवेज से अगर उसे अप जाना तो सिर्फ और सिर्फ एक ही सप्लाई जोन तोड़ना है अगेन सुन लीजिए रूल ये है कि अगर कोई भी प्राइस डाउन ट्रेंड में है और उसे अप ट्रेंड में जाना है तो उसे दो सप्लाई तोड़ने पड़ेंगे अगर कोई भी प्राइस अप ट्रेंड में है और उसे डाउन ट्रेंड में जाना है तो उसे दो डिमांड जोन तोड़ने पड़ेंगे लेकिन साइडवेज के लिए सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड या एक सप्लाई ही तोड़ना पड़ेगा एडवांस ट्रेंड एनालिसिस अपने आप में बहुत हार्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था हमारे पास में वो इसलिए था क्योंकि हमने कुछ ये सीखा कि कन्वेंशनल भी ऑलमोस्ट ऐसे ही काम करते हैं हायर हाइज लोअर लोज पे यहां तक बिल्कुल सेम था लेकिन इसमें एक भी पैटर्न अगर कंटिन्यूस आ गए तो पूरी पिक्चर चेंज हो जाती है वो हमने रिसेंटली परसों की क्लास में मारुति के एग्जाम्पल में देखा कि एक भी पिक्चर थोड़ी सी भी यहाँ पे कुछ बन गई तो फिर हो सकता है कि अब हमें यहाँ तक का नहीं यहाँ पे ही हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है यहां से हमने कुछ एक ये भी आइडिया लगाया कि यहां से ही हम शॉर्ट में डब्ल्यू आई टी कर सकते हैं हो सकता है आपको यहीं पे डब्ल्यू आई टी मिल जाए और अगर ये वाला एरिया नहीं हुआ ना तो आपको WIT यहां मिल जाएगी ये सब हमने कल ही पढ़ी मतलब है एडवांस हो सकते हैं और ये डेफिनेटली सबसे एडवांस ट्रेंड एनालिसिस है जो आपको हमेशा आगे रखेगी उन लोगों से कल हम उनसे वन स्टेप और आगे हो गए वो हो गए हम कंफर्मेशन पे कि हमने ये पढ़ा कि बेसिकली कोई भी प्राइस टाइम लो के ऊपर में है या फिर कोई बिना कोई डिमांड जोन के है तो उसे अपट्रेंड में जाने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे दो सप्लाई जोन बीज करने पड़ेंगे और अगर ऐसा होता है तो एक चीज कन्फर्म है कि स्ट्रोप इस ड्रॉप से लेग इन इस रैली से लेग आउट थोड़ी सी भी बेस कैंडल बना देती है यहाँ पे तो बेस भी कन्फर्म है वीकली का लोकेशन कन्फर्म है जो कि हमें एट्टी टू नाइनटी परसेंट केसेज में मिल जाएगा लेकिन ट्रेंड कंफर्म है हंड्रेड परसेंट ये चीज हो चुकी है और ऐसा तो एट्टी टू नाइन परसेंट में चाहे वन ट्वेंटी फाइव पे मिले चाहे सेवेंटी फाइव पे चाहे टू फोर्टी पे सिक्सटी पे आपको अच्छा एग्जीक्यूशन भी मिल ही जाएगा अगर ऑल टाइम लो पे है या फिर बिना कोई डिमांड जोन के तो दो डिमांड जोन दो सप्लाई जोन डेली पे ब्रीच करने होंगे लेकिन अगर प्राइस कुछ इस टाइप से है कि वो ऑलरेडी किसी भी डिमांड जोन को हिट कर रखी है तो डिमांड जोन को हिट करने के बाद में उसे दो सप्लाई जोन ब्रीच नहीं करने एक सप्लाई जोन ब्रीच होगा तो ही वो अपने आप में कंफर्मेशन है इसीलिए हमने इंट्रोड्यूस किया कन्फर्मेशन एंट्री कि कन्फर्मेशन एंट्री की जरूरत इसलिए कि कोई भी प्राइस बहुत ज्यादा स्ट्रॉग सेलिंग प्रेशर से आ रही है और हम नहीं चाह रहे कि वो डिमांड जोन पे हम रेंडमली ट्रेड करें हमें कुछ कन्फर्मेशन चाहिए दो रीजन हो सकते हैं एक तो वो वाइड है जिसमें एंट्री स्टॉप लॉस का डिफरेंस ज्यादा होने की वजह से टारगेट बड़ा मिले बड़ा होगा जो मिलने में टाइम लग सकता है सेकेंड चीज ये कि डाउन ट्रेंड में हो हमें डाउट लग रहा है हम ये चाह रहे हैं कि कुछ कंफर्मेशन मिल जाए और फिर हम एक नॉर्मल छोटे एरिया को भी ट्रेड कर सके तो उसी के लिए हमने पढ़ी कंफर्मेशन एंट्री जिसके हैं ये कुछ पॉसिबल केसेस जो कि हमने कल ही पढ़ी कि अगर प्राइस कुछ इस टाइप -इस से है बस हमें ये देखना है नियरेस्ट एक सप्लाई जोन ब्रिज करें अब चाहे सप्लाई जोन बेस कैंडल के साथ में या बिना बेस कैंडल के हम ऐसे मार्क कर लेंगे फिर ऐसे मार्क कर लेंगे और अगर कोई सप्लाई जोन नहीं बना है तो हो सकता है कि बाद में सप्लाई जोन बने हम उसे कंसिडर कर लेंगे अब इस सप्लाई जोन को जिसने ब्रिज किया हम उसे कंसिडर कर लेंगे हमने कुछ एक एग्जाम्पल भी देखे और कंफर्मेशन एंट्री हमेशा हमारे लिए काम की है जब भी किसी भी स्टॉक में 20-30 परसेंट करेक्शन हो ये भी बुलेट पॉइंट आप लिख लेना कि जब भी किसी भी स्टॉक में 20-30-40 परसेंट करेक्शन हो और आपको डर लग रहा हो कि ये डब्ल्यू आई टी या एम आई टी चलेगी या नहीं चलेगी तो एक बार प्राइस रिवर्सल के लिए कंफर्मेशन का वेट कर लें जो कि अपने आप में एक अच्छी अप्रोच है इन शॉर्ट कंफर्मेशन एंट्री के बाद में हम हमेशा से कन्वेंशनल से दो स्टेप बोल दीजिए या तीन स्टेप बोल दीजिए उनसे बहुत आगे हो गए और एज ए डिमांड सप्लाई ट्रेडर हम हमेशा उनसे आगे ही आगे हैं ये अभी तक हमने 14 क्लास तक पढ़ा नेक्स्ट क्लास जो होगी एनालिसिस होगी बहुत इजी और बहुत ही मजेदार क्लास है सच में मजा आ जाएगा आप लोगों को तो गाइज ये था रिविजन एंड दैट्स ऑल फॉर द डे आई होप सब लोगों को ये हेल्प करेगा रिविजन एक बार जो चीज हमने छोड़ी उसको डिस्कस कर लेते हैं कि यहां पे इस एग्जाम्पल को क्यों डिस्कस कर रहा हूं मैं ये रहा आपका मंथली का एरिया मंथली डिमांड जो आपको पता है कि एग्जीक्यूशन जो है वो तो डेली को इन कर रहा है प्रॉपरली ट्रेंड की अगर मैं बात करूं भले ही अब अप हो ट्रेंड भले ही अब अप हो लेकिन अकॉर्डिंग टू द एडवांस ट्रेंड एनालिसिस ये ट्रेंड अगर मैं ये कहूँ कि डाउन नहीं तो साइडवेज तो कंफर्म हो चुका है ये ट्रेंड साइडवेज तो कंफर्म हो चुका है क्योंकि पहला डिमांड जोन कहा आप ये देखिए सॉरी यहाँ पे जाते हैं पहला डिमांड जोन इस पूरे पिक्चर को मान लेते हैं इस पूरे गार्बेज को क्योंकि ये सबके सब एक ही एक पास में है आप कोई ये कहे कि सर इसको भी इसमें ही कंसिडर कर लूं क्या ये भी तो बिल्कुल पास कर सकते हैं और कोई ये सोचे कि सर इसको अलग मान लू तो और कोई दिक्कत नहीं अलग मान लीजिए इसके नीचे चला जाएगा तो डाउन तो सोचिए आपकी एंट्री से नीचे है, तो आपका ट्रेंड डाउन हो जाएगा भले आपका एडवांस ट्रेंड एनालिसिस कुछ भी बताए लेकिन आपका ट्रेंड सॉरी सिंपल मूविंग एवरेज कुछ भी बताए लेकिन एडवांस ट्रेंड एनालिसिस के अकॉर्डिंगली आपका वीकली पे ट्रेंड डाउन हो जाएगा तो डाउन ट्रेंडिंग के अंदर में अगर आप इस ट्रेड को ले रहे हैं तो ये रिस्की है मेरा ये मानना मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली सारी ये रिस्क नहीं होती लेकिन अब रिस्क है दो रीजन हो गए पहला ट्रेंड डाउन सेकंड ये सेवन आउट ऑफ सेवन है अच्छी बात बस यही है कि ये प्रॉपरली को रही है तो ऐसी ट्रेड के लिए ही आगे चल के आप एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसे कहते हैं लेवल ऑन टॉप ऑफ द लेवल एल एल वाली क्लास जिसके अंदर में अगर ये दोनों डिमांड जोन है ये दोनों डिमांड जोन है ये दोनों तो इनको हो सकता है हम दोनों को मर्ज करके ट्रेड करें हो सकता है कि हमारी एंट्री जो है यहाँ हो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ हो एट्टी फाइव रुपीज की होगी फिर टू स्टो वन हो सकता है कि टू स्टो वन आपको मिलने में डर लग रहा हो किसी भी वजह से तो एंट्री हो सकता है आपकी अप्रोक्सीमल पे यहाँ हो अब आपको जल्दी मिलेगा टू स्टो वन आपको स्टिल कोई डाउट है कभी कभी ऐसा भी होगा कि गोल्डन क्रॉस ओवर बिल्कुल दोनों के बीच में होगा बिल्कुल दोनों के बीच में इन दोनों ट्रेड के बीच में तो एल एल में आप यही सीखेंगे कि इन दोनों के बीच में आप एंट्री रख सकते हैं और बेस्ट एंट्री रखने का सबसे बेस्ट तरीका यही है और इस चीज की गहराई में जाना हो तो टाइम फ्रेम स्विच करके देख लें कि अगर मैं मंथली पे जाऊं तो क्या मिल रहा है वीकली पे जाऊं तो क्या मिल रहा है मंथली पे तो सेम पिक्चर है मैं वीकली के ऊपर में अगर जाता हूं यह है वीकली की लाइन एच फाइव वन जीरो एट वन मैं अगर क्वार्टरली के ऊपर में जाऊं तो जैसे होता है ना कि इन कैंडल के बीच में भी कुछ ना कुछ तो है ही ना रेड एंड ग्रीन कैंडल के बीच में तो इसकी मार्किंग कहां होगी ये वाली यहां होगी इस लाइन को मैं बोल्ड कर रहा हूं बोल्ड नहीं करते हैं क्योंकि उन लाइनों के बीच में अजीब दिखेगी तो एक काम करते हैं इस लाइन को हम कर देते हैं ब्लैक तो यह है क्वार्टरली की लाइन अब ये रही आपकी वीकली की लाइन क्वार्टरली और वीकली देखिए दोनों की दोनों पास पास में है दोनों की दोनों क्योंकि हमने क्या क्या वीकली पे देखे बिल्कुल प्रॉपर प्रोक्सीमल पे एंट्री रखी है और क्वार्टरली के अकॉर्डिंगली थोड़ी सी और नीचे आ रही मतलब इसके भी बॉटम पे आ रही है अब जाते हैं डेली पे मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों लाइने आपकी लोअर वाले एरिया को कोइंसाइड कर रही हैं दोनों की दोनों लोअर तो कहने का मतलब ये कि अगर हम ये माने कि इस क्वार्टरली पे हो सकता है कि प्राइस जो है जो मूव ले बिल्कुल प्रोपरली इसको हिट करके ले

तो कहने का मतलब यह कि हमने देखिए पूरी आर एनडी करी ट्रेंड हमें बस डाउन मिला ट्रेड स्कोर आउट ऑफ मिला तो हमने उसमें स्ट्रेंथ डालने के लिए दोनों जोन को कंबाइन कर दिया जब दोनों को कंबाइन करते हैं तो डिफॉल्ट डिफॉल्टी फिर आप सेवन आउट ऑफ सेवन मान सकते हैं बट स्टिल ट्रेंड का थोड़ा सा इश्यू था तो उस वजह से हमने सेफ देखने के लिए थोड़ा सा टाइम फ्रेम को अप एंड डाउन करके चेक किया वीकली पे चेक कर लिया मंथली पे चेक कर लिया फिर हम ये कह सकते हैं कि हाँ हमारी एंट्री सही है हो सकता है प्राइस 1096 से ही रिवर्स कर जाए बाई चांस अगर किसी भी वजह से नहीं भी करती है तो इन दोनों लाइनों से रिवर्स होने के चांसेस है क्योंकि यहाँ पे क्वार्टरली वीकली और साथ में डेली सभी टाइम फ्रेम के डिमांड जोन है आपको टारगेट भी जल्दी मिलेगा टू टू वन ले एग्जिट हो जाए तो ये कुछ एक चेंजेस करने के लिए हम अलाउड होते हैं बट ये सब चीजें अगेन देखिए थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप ट्रेड ढूंढना स्टार्ट करेंगे आपको भी एक्सपीरियंस बिल्ड होना स्टार्ट होगा ओके तो ऐसे एक ट्रेडर जो है वो अप्रोच रखता है यहाँ पे सो गाइज दैट्स ऑल फॉर द डे नो नारायण आई एम नॉट गोइंग टू शेयर द पीपीटी पीपीटी में शेयर नहीं करूँगा पीपीटी शेयर करके आप नोट्स बनाएंगे तो फिर कोई सेंस ही नहीं बना ना उस चीज का पीपीटी शेयर करने पे नोट्स आपको बनाने हैं तो आप क्लास के रिकॉर्डिंग देख के बनाइए ना वो है रिविजन क्लास के रिकॉर्डिंग देखना रिविजन है पीपीटी को देखना कभी भी रिविजन नहीं हो सकता पीपीटी को देखना कभी भी रिविजन नहीं हो सकता लास्ट वाली क्लास के बाद में ये नोट्स को हम अनलॉक कर देंगे आप ऐप के ऊपर में देख सकते हैं बट उससे पहले नहीं और फिर भी अगर आपको ज्यादा ही वो है कि देखना ही देखना है मुझे टेंथ क्लास तक तो एलिमेंट्री को सब्सक्राइब कर लीजिए एप्लीकेशन के ऊपर में जाके एलिमेंट्री के नोट्स अनलॉक हो जाएंगे इमीडिएटली वो आप देख सकते हैं ये टेंथ क्लास तक तो कॉमन है एलिमेंट्री के नोट्स सर ये टेंथ क्लास तक तो बिल्कुल कॉमन है तो एलिमेंट्री के देख लीजिए वहां पे बट मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी आप ये काम करें मैं यही चाहूंगा कि नोट्स आप खुद बनाए ओके यस बिल्कुल ले सकते हैं कार्तिक ऐसे जोन में अगर हमें डर है तो कन्फर्मेशन बिल्कुल ले सकते हैं वो अपने अपने अप्रोच है जैसे मैंने बोला ना हंड्रेड ट्रेड के अंदर में कोई पर्सन सोचेगा कि मैंने इस ट्रेड को सबसे बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश कर ली तो इसको ले ही लेता हूं कोई दिक्कत नहीं है एक ट्रेडर ये सोचे कि नहीं मैं इसको एज ए कंफर्मेशन लेता हूं तो हंड्रेड ट्रेड सबकी अलग अलग हंड्रेड ट्रेड होंगे सबकी सेम नहीं हो सकती तो उन्हीं से सबकी इंडिविजुअल जर्नी तभी तो स्टार्ट होती है क्योंकि सबको अलग अलग एक्सपीरियंस मिलता जाता है क्योंकि वो आज मान लीजिए आप इसमें कंफर्मेशन ले रहे हैं कोई पर्सन इसमें डायरेक्टली ट्रेड ले रहा है हो सकता है कि अगली कोई ऐसी ट्रेड मिले जिसमें आप डायरेक्टली एलोटियल लें अगले वाला कोई कंफर्मेशन ले तो सबका हंड्रेड ट्रेड का सेटअप अलग अलग होगा ठीक है भाविक डिपेंड करेगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया ना कि अगर ट्रेंड साइडवेज छोड़िए डाउन हो गया तो भी हमने देख लिया क्या कर लिया हमें पहले से ही पता होगा ना मूविंग एवरेज को छोड़िए जब प्राइस यहां तक आने वाली है तो उसके बीच में आपको सारे डिमांड जो दिख रहे हैं ना अब आप यहाँ देखिए कि आपकी एंट्री कहाँ आपकी एंट्री यहाँ है तो आप मूविंग एवरेज का वेट ही क्यों कर रहे हैं कि तब ट्रेंड क्या होगा आपको पहले से ही पता है कि ट्रेंड क्या होगा एडवांस ट्रेंड एनालिसिस की यही तो खूबी है कि आपको पहले से ही पता है कि उस टाइम ट्रेंड, ट्रेंड क्या होगा मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली आपको वेट करना पड़ता है लेकिन इसमें आपको पता है कि अगर प्राइस यहां तक आ रही है तो वो बैक टू बैक देखिए कितने डिमांड जोन तोड़ेगी एक या दो या दो डिमांड जोन तोड़ देगी तो ट्रेंड डाउन ही होना उसमें भूषण ऐसे कोई भी ऑथेंटिक के जोन में कंफ्यूजन है तो ग्रुप पे वो पिक्चर डाले मेंटोर को पूछे मुझे भी टैग कर दें मेंटोर को पूछे कि ये सर ऑथेंटिक लें या ना लें सचिन वही तो डिस्कस किया ट्रेंड में ट्रेंड डाउन है तभी तो मैंने बोला ना कि अगर इस एंट्री को लेनी होगी तो ऐसे लेंगे या फिर कंफर्मेशन लीजिए आप दीप्ति वो इसलिए कर रहे हैं सिंपल वाला यूज की अभी एडवांस ट्रेंड एनालिसिस एक दिन में आने वाली चीज नहीं है थोड़ा थोड़ा टाइम लग रहा होगा सबको सीखने में अगर आप सीख गए तो हटा दीजिए भले मुझे कोई दिक्कत नहीं है बट ये हमें एक तसली देता है कि हाँ अगर ये वाली टेक्निक नहीं होती तो स्टिल इस इसमें ट्रेंड वो सिंपल मूविंग एवरेज के अकॉर्डिंगली अभी भी इसमें ट्रेंड अप लग रहा ये बस एक छोटी सी कंफर्मेशन दे रहा आप लोगों को प्रायोरिटी एडवांस ट्रेंड एनालिसिस ही हो गई पंकज कह रहे हैं बॉक्स की सेटिंग पंकज ये बॉक्स की सेटिंग में काफी बार बता चुका हूं डियर उस दिन भी मैंने रिपीट करी थी अगर आपने क्लास देखी हो तो बॉक्स लीजिए यहाँ पे जैसे यहाँ पे आपने बॉक्स लगाया अब इसकी सेटिंग के ऊपर में क्या करना है इस पर क्लिक करें बॉक्स आए उसके ऊपर में जाएँ इसका कलर चेंज कर लें जो भी आपको रखना ग्रीन रखना ग्रीन ओपेसिटी सिटी ट्वेंटी फाइव आपको दिखाना कितना ज़्यादा है आपके चार्ट के ऊपर उस पर डिपेंड करेगा इनको चेंज करने की जरूरत नहीं है जो हॉरिजॉन्टल लाइनर इनकी सेटिंग होती है वही सेटिंग है यहाँ पे और कुछ इसमें ऐसा है नहीं नो दावल एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड है उससे हमें मतलब नहीं हमें इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम पे चेक करना है थैंक यू सो मच वाजिद यस सुमित हम गैप की भी क्लास है गैप भी सीखेंगे डोंट वरी गैप भी सीखेंगे कुछ एक कन्वेंशनल पैटर्न भी सीखेंगे मार्केट में जो बुल ट्रैप बैट ट्रैप होते हैं वो भी सीखेंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कैसे करते हैं वो भी सीखेंगे कन्वेंशनल पैटर्न और हमारे पैटर्न कब कब बनते हैं जैसे आज एक एग्जाम्पल दिया वो चीज भी सीखेंगे हम जो कैंडल स्टिक आपने सुने होंगे ना कि शूटिंग स्टार बन गए मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार बन गए उनकी जरूरत नहीं है बट बत वो बताना जरूरी है कि वो चीजें क्यों बनती हैं कैसे बनती हैं और अगर उनको भी काम में लेना हो तो हम कैसे लेंगे वो सब चीजें हम सीखेंगे अभी है हमारे पास में क्लासेस डोंट वरी यस श्योर मनी मनीष रिकॉर्डिंग मिलेगी आज की क्लास की भी यस yes, ये एक अच्छी अप्रोच अगर आपको लग रहा है कि इसमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल आ चुका है ऑलरेडी तो कंफर्मेशन लीजिए ना उससे बेस्ट तो कुछ है ही नहीं ना कि आप सेफ खेलना चाह रहे हैं तो ओके गाइज ऑलमोस्ट टू एंड हाफ की क्लास हो चुकी है मैं सोच रहा था रीजन क्लास टू आर्मी करें बट इनिशियली हमने एक एग्जाम्पल को डिस्कस किया केस स्टडी उसमें हमें टाइम लग गया एनी वे सेशन को ख़त्म करते हैं विल सी यू ऑन मंडे इसकी रिकॉर्डिंग में अपलोड कर दूंगा अच्छे से अपना वीकेंड एंजॉय कीजिए मंडे को मिलते हैं तब तक के लिए हैव ए ग्रेट वीकेंड एंड हैवे गुड डे